मलिक, नाम पक्का नहीं सुना होगा क्योंकि जो काम मैं करता हूँ उसमें सिर्फ एक परछाई बन के रहता हूँ। शॉर्ट में बताओ तो मैं अमीर और नामचीन लफंडरों के गांड के खुले हुए टाके जोड़ता हूँ। चुराए थे वो फैलाते हैं ना, उनको साफ मैं करता हूँ। नई शर्ट पे छेद कर दिया भैंडचोद। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, फड़वे निकले सब मेरे यार। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, मलिक के पीठ पे गोली चलाई। मूड तो नहीं था लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने का, पर क्या करता, हालात ने मजबूर कर दिया था। जिंदा रहने के लिए मेहनत लगती है भाई, मौत का क्या है, वो तो कमबख्त कहीं से भी आ सकती है। यह मेरी धड़कने जवाब दे रही थी और ये जनाब आइटम सॉन्ग पे अपनी धड़कने बढ़ा रहा था। कसम से अमीरों की अय्याशियां खत्म हो जाए अगर मुझ जैसे लोग दुनिया में ना हो। गरीब आदमी बेचारा मुसीबत में सिर्फ भगवान को याद करता है, पर पैसे वाला मुझे, क्योंकि मैं हूं इस शहर का सबसे बड़ा फिक्सर। यह मेरी बीवी केसर, डिफेंस कॉलोनी की सेल्फी क्वीन। बड़ी भोली है बेचारी, इसलिए चाहे मेरे सीने पे मेडल लगे या पीठ पे गोली, ये लिपस्टिक लगाना नहीं भूलती। नए जमाने की पतिव्रता है, किसी के मैयत पे भी जाएगी ना तो सफेद साड़ी पर सरी का काम जरूर होगा। तीन चीजों से लेकिन बहुत प्यार करती है वो, पैसा, पति और परमात्मा। मैंने तो सारे नवरात्रे रखे थे, कंचकाएं भी पूजी थी, बाकी लोग तो स्टील के बर्तन देते हैं। पता है मैंने एक एक कन्या को चांदी का सिक्का भी दिया था। हे माँ, प्लीज मेरी मन्नत पूरी करते। मेरी मिसेस का प्यार देखा है अपने हस्बैंड के लिए? कसम से हिंदुस्तानी मर्द ना नवरात्रों और करवा चौथ की वजह से ही जिंदा है। भगवान ने आपकी सुन ली है, मलिक इज आउट ऑफ डेंजर। बुलेट तो हमने निकाल ली बट खून बहुत ज्यादा बह गया है। तो चढ़ा दीजिए ना खून। अगले 48 घंटे उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। उनकी बहुत पहचान है दिल्ली में, आपको कोई भी एक्सपर्ट चाहिए तो बताइए। देखिए आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर नवरोजी मुंबई के बेस्ट सर्जन हैं, वो मिस्टर मलिक को देखने आ रहे हैं, सो डोंट वरी। ये है करीम मिर्जा। अरे यार ये कहानी ना थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो शुरू से शुरू करता हूँ। भाई और बहनों, फ्लैशबैक। पहले मेरी बीवी मुझसे सिर्फ प्यार करती थी, पर जब से उसने रोहित भैया की सिंघम और सिम्बा देखी है ना, मेरी बीवी को मुझ पे गुरूर सा गया। बोला था ना टाइम पे पहुंचा। अच्छा है जो आप टाइम पर आ गए मलिक साहब, वरना हमें आपको थाने लेने आना पड़ता। चलो जल्दी से चेंज करके वापस आ जाओ।
मैं तो तुम एक काम करो, कपड़े तैयार रखो, मैं सिन्हा साहब को मिल के आता। अरे मलिक सर। लो भाई प्रसाद लो। थैंक यू सर, सॉरी आप आए और वो मैं लेट हो गया। अरे क्या बात कर रहे हो मलिक, तुम बुलाओ और हम ना आए, इलेक्शन हरवाना है क्या? अबे तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स देखे हैं सर के? सुनो, यू आर ऑन अ मिशन टुनाइट। शेरावत का तुम्हें कभी भी फोन आ सकता है। इट्स अबाउट करीम मिर्जा। सर थैंक यू फॉर कमिंग सर। मलिक रिपोर्ट इमीडिएटली। सर करीम मिर्जा आजमगढ़ में ये चोरी चकारी और छोटे मोटे केसेस में इसका नाम था, उसके बाद ये एक्सटॉर्शन और लैंड ग्रैबिंग के केसेस में इसका नाम आने लगा। इस वक्त करीम मिर्जा पे 6 मर्डर, 9 एक्सटॉर्शन और कम से कम दर्जन भर असॉल्ट केसेस दर्ज हैं। इसके असली कारनामों की फहरिस्त पता नहीं कितनी लंबी है। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर इंटेलिजेंस ये करीम मिर्जा यहाँ दिल्ली में तारिक जिहाद ऑर्गेनाइजेशन को मदद कर रहा है RDX और लॉजिस्टिक सपोर्ट देकर। करीम कहाँ से ऑपरेट कर रहा है इसका अंदाजा है हमें, हमें उसको उसके बिल में घुसकर मारना है। रामपुर और फतियाबाद के बीच ये रेलवे यार्ड है जहां छुपा हुआ है वो। सो बॉयज वी लीव एट फर्स्ट लाइट। सर यूटीआर खत्म हो गए इसलिए फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। बैठो। 2 ग्लास और कुछ रखना उखना लाओ भाई। क्यों नहीं सर, एक मैंने भी होगा। एक लाओ ग्लास फिर। सर थोड़ा शरीफ हो गए। बात शराफत की नहीं सर, ऑफिस में पीने की आदत डाली नहीं मैंने। सीनियर ऑफिसर्स के ऑर्डर्स ना मानना ये आदत डाल ली। सिर्फ औरत बीच में आ गई थी, मैं मर गई ना। औरत तो मर गई, अगर ठीक से फोकस किया होता तो टारगेट जाता, करीम जाता। सर इसी ऑफिस में बैठकर जज करना आसान होता है,
अगर मेरी जगह आप भी वहां होते ना तो आपसे भी वही गलती होती। एक कहानी सुनाता हूँ तुमको, ठीक है? क्या लगी? सर्दी का मौसम था, जंगल, एक गिद्ध जो है पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। थोड़ी देर वहां एक चूहा आता है, वो भी चाहता है कि मैं धूप का मजा लूं। तो गिद्ध से पूछता है कि सर मैं यहाँ पेड़ के नीचे थोड़ा धूप सेक लूं, आप मुझे खा तो नहीं जाओगे? तो गिद्ध को जो चूहा बड़ा क्यूट लगता है, कहते नहीं नहीं आराम से धूप सेको, कुछ नहीं करूंगा। तो चूहा धूप सेकते लगता है, थोड़ी देर में आंख लग जाती, सो जाता है। तब तक वहां से एक सांप आता है, रेंगता हुआ चूहे को देखता और गप कर जो है चूहे को, और गिद्ध जो है अभी भी सब ऊपर से ऐसे देख रहा है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर एसी रूम में बैठ के आराम से तमाशा देखना है तो उसके लिए टॉप पे बैठना होगा, जहां मैं बैठा हूं, जहां तुम हो वहां सिर्फ ऑर्डर्स दिए जाते हैं। मैं गिद्ध हूं और तुम जिसे सांप खा गया, बैज एंड गन। सर आप ही ने कहा था ना, आज के लिए आपकी और मेरी, हम दोनों की ड्यूटीज खत्म हो चुकी है। फॉर्मेलिटीज ही बची है ना सर, कल कर लेंगे। चैन सर। मेरी बेटा मैं क्या कर लूंगा। बदनामी के पाव में चक्के लगे होते हैं, एक गलती कर दो लाइफ, दो मिनट में चूतियों की लिस्ट में नाम रोशन कर देती है। गलती हुई थी मुझसे, लेकिन जैसे मेरे ऊपर बैठा गेंद और नीचे रेंगता सांप इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। ये सब क्या है? मलिक, तुम्हारे लिए एक महीने का व्रत रखा था, आज खत्म हुआ है। एक महीने से मैंने कुछ नहीं खाया, कल खाऊंगी। कल तो तुम वो पकवान खा रही थी। अरे वो तो मैंने शारदा को बोल के मेथी साबुदाना का ग्लूटेन फ्री बनवाया था, उसे व्रत नहीं टूटता। अच्छा, ये व्रत रखा क्यों था तुमने? किसी खतरनाक मिशन पे नहीं जाऊंगा। मुझे सस्पेंड कर दिया गया, क्या मूड चला गया? बेरोजगार पतियों के लिए ना अक्सर बीवियों का मूड नहीं होता। अब साला मेरा भी मूड चला गया। हाँ शीला, वो तुझसे जो लॉन्ड्री ली थी ना, वो मुझे फिट नहीं आ रही है। सांस लेती ऐसे लगता है कि सिलाई खुल जाएगी। और मैंने भी तुझे कहा था ना, मुझे ट्राई करने दे। ये सब मेरे कारण हुआ है ना। मैं सब संभाल लूंगा। क्या संभाल लोगे मलिक? वो प्रेग्नेंट औरत के मरने की खबर पूरे न्यूज चैनल्स में है, सब तुम्हें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कि सर मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, ठीक है? अरे बात ना करने से बात खत्म तो नहीं होगी ना मलिक। मुझे लगता है किसने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची है। वो शरावत, हाथियों की दौड़ में इससे तो चूहा ही है ना। क्या कहा तूने? तुम मुझे इतना छोटा समझती हो? अरे तुम कौन सी बात कहां ले जा रहे हो? मैंने कहा मैं सब ठीक कर दूंगा तो ठीक कर दूंगा ना। मुझे क्यों भड़क रहे हो? मैंने कहा औरत को मारने के लिए। केसर चुप रहो वरना। वरना क्या? अपनी यूनिफॉर्म का धौंस मुझ पे चला रहे हो? लेकर आओ बंदूक और चलाओ गोली। मारो मुझे, मारो 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 मुझे। ए, मार 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 मार।
जब शेर पिंजरे में बंद होता है ना तो बच्चा भी उस पर मूंगफली फेंकता है। बिना यूनिफॉर्म मेरी हालत पिंजरे में बंद उस शेर की तरह हो गई थी, लेकिन बहुत जल्द मेरी आजादी का बुलावा आने वाला था। दालमिया साहब, मलिक काम करोगे मेरे लिए? कैसे काम? मेरा लड़का याद है तरुण? तीनों का क्या करूं, डाल दूं अंदर? और कितना अंदर डालेगा, पहले निकालो तो सही। अरे कब तक आएंगे तुम्हारे इंस्पेक्टर साहब? ये वही है ना गरीब एयरलाइंस वाला, जो ट्रेन की टिकट से सस्ती प्लेन की टिकट बेचता है। पर एक बात बताइए, इनके हवाई जहाज में आगे का दरवाजा नहीं है का? सब पैसेंजर पीछे से ही चढ़ रहे हैं। सरकार मस्करी के पैसे नहीं देती, चाहिए अपना काम कीजिए। इंस्पेक्टर बात सुनिए मेरी प्लीज एक बार। खन्ना इसे भर लिया। क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ क्या कर रहे हैं आप लोग? डैड मैं Why the fuck can't you be with girls? Can you tell me that? And thank you. चलो निकलो यहां से अब। तालमिया साहब, खन्ना तरुण और इनको बाहर ले जाना, मुझे तालमिया साहब से अकेले में बात करनी है। तालमिया साहब पता है, किसी को प्लेन में सेक्स करना पसंद है तो किसी को ट्रेन में, किसी को लड़कियों के साथ सेक्स करना अच्छा लगता है तो किसी को लड़कों के साथ। बुरा तब लगता है जब बिना सेक्स किए कोई आपकी मार जाता है। तरुण और लड़कों के जमानत के काम आएंगे, तब दे देना। थैंक यू। हाँ वो पीछे वाले दरवाजे से जाना, आगे मीडिया वाले आपका इंतजार कर रही है। और कल का न्यूज़पेपर पढ़िएगा, वो तरुण दालमिया को 5-स्टार होटल में 4 लड़कियों के साथ रेफ पार्टी में पुलिस ने पकड़ा। पैसे नहीं लेते हो तो क्यों करते हो ये काम? वैसे तरुण साहब, ये होमोसेक्सुअलिटी ना ना कोई बीमारी है और ना ही कुछ गलत, ये चॉइस है। लेकिन सेक्शन 377 इसकी इजाजत नहीं देता। मैं इस लॉ को नहीं मानता और एक दिन ये लॉ जरूर बदलेगा, जब लोगों की सोच बदलेगी। आदमी ईमानदार सीधा, जिस दिन टेढ़े हो जाओगे बहुत काम आओगे उस दिन। थैंक यू तन्मय साहब, उसके लिए जिंदगी भर इंतजार करना होगा। हर इंसान की ईमानदारी जो है ना वो एक एक्सपायरी डेट के साथ आती है। क्या सर? सिर्फ ये है कि तुम्हारी एक्सपायरी डेट कब की है। तो ईमानदारी खत्म हुई, जिंदगी में टेढ़े हुए कि नहीं? हालात कीले को भी स्क्रू बना देता है तन्मय साहब। काम बताओ, फिक्सर बनोगे? फिक्सर? फिक्सर जो लोग जिंदगी में अपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाते उनको सिर्फ दो लोग बचा सकते हैं, या तो ऊपर बैठा भगवान या फिर जमीन पे खड़ा हुआ फिक्सर। मतलब के जुगाड़ू? आज तक बिना पैसे लिए लोगों के लिए जुगाड़ करते थे, अब पैसे लो, लोगों के प्रॉब्लम फिक्स करो। वत्ते कितने पैसे मिलेंगे? कल 2 बजे दिल्ली क्लब। यार हे अबे कहाँ जा रहे? रुक, केसर ना बिल्कुल सही बोलते हैं, कैसे वक्त में भगवान ही आपको राह दिखाता है, फिर चाहे वो सही हो या गलत।
अब बहुत हो गई ईमानदारी, बेईमानी भी ना। प्रभु का नाम लेकर शुरू करते हैं। लगने के कारण एक निर्दोष महिला की मृत्यु हो गई। करीम मिर्जा को पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन किया गया था उसमें से भी वो बच के निकल गया। क्या ये ऑपरेशन बिना तैयारी के किया गया था? फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड। जयंत सर। अरे शेरावत, ये तुम्हारे मलिक वाले केस का क्या हो रहा है? 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया सर, इंक्वायरी बिठा दी। शेरावत, ये तुम्हारे इंक्वायरी को बिठाओ मत। भगवान ने आई नीड स्ट्रिक्ट एक्शन। गॉट इट? जी जयंत सर। मलिक द सस्पेंडेड कॉप, वैसे अफसोस हुआ तुम्हारी वर्दी जाने का? अफसोस तो मुझे भी है, पर क्या ना, अफसोस से घर नहीं चलता। सीधे पॉइंट पे। तरुण याद है मेरा बेटा? वैसे अब क्या किया उसने? एक एक्ट्रेस है मुंबई में, आना। डील क्रैक की थी उसके साथ, कुछ दिन तरुण के साथ दिखाई दे, यू नो तरुण की इमेज के लिए। वो लड़की जो है चिपक गई है उसके साथ, और ये सारे के सारे मामले तुम्हें पता है, फिर वो प्रॉपर्टी का चक्कर बन जाते हैं। लड़की नहीं मारता? मारना नहीं है, सिर्फ आहना को तरुण की जिंदगी से बाहर निकालना है। Just about that. Perfect. अब एक और चीज, एक्टिंग कैसी आपकी? पिछले 35 साल से अपनी बीवी को इस बात का एहसास दिलाए हुए हूँ कि उससे प्यार करता हूँ, ठीक ही होगी? बढ़िया है। चल पार्टी कर, चिकन है। नहीं, मेरे को नहीं खाने का है। अरे कब तक चलेगा ये तेरा मैं हराम का नहीं खाऊंगा का नाटक? जब तक तू ये हरामखोरी नहीं छोड़ देती। तुमची समस्या क्या है हो? हाँ, कितनी बार बोला है मैंने कि मैं करप्शन नहीं करती, मैं सिर्फ सेटलमेंट करवाती है। गरीब का एक रुपया भी नहीं खाया मैंने आज तक। चल खा। अरे बोलो ना, नहीं खाने का। तेरे दिमाग में बात जाती नहीं क्या? बड़ी गलती करती तेरे से शादी करके। गलती तो मैंने की, एक सॉसेज के चक्कर में अखा डुक्कर घर पे ले आई मैं। अम्मा डुक्कर है, गंदी नाली का है। तू बड़ी सती सावित्री है ना, शादी कौन सा मेरी मर्जी से की थी मैंने? देखो ठोकने को दिया ना, चल अभी चल, अभी कोर्ट चल, अभी शादी करेंगे। 6 साल की गलती आज तक भुगत रहा हूं मैं। ऑफिस से उठा के लेके गई थी तुम्हें कोर्ट। ए हरामी, मत खा तू चिकन। तेरे नसीब में ना ये वावड़ा फाफड़ा, ये आवड़ा वावड़ा फोड़ा, वो ही है बस। जयंती मलिक। हाँ सर, बोलो सर। परसों मैं मुंबई आ रहा हूँ, फिल्म स्टार आना, नजर रखनी उस पर, डिटेल्स भेजता हूँ। क्या रावस ने दिया सब, मैं तो कब से बोल रही थी कि इधर आ जाओ करके। अंदाज डिटेल भेजो साहब। ओके सर। वेलकम टू मुंबई मल्लिक साहब, कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, आपकी उड़ान अभी जयंती जावड़ेकर के साथ होने वाली है। चलो फिर उड़ते। मुंबई, अड्डों से लेकर खड्डों का शहर, ट्रेन में मिले धक्कों से लेकर सिग्नल पर मिले छक्कों का शहर, जहाँ पानी पूरी भी बारिश के पानी से बन जाती है, जहाँ वड़ा पाव की चटनी लोगों की वानी बदल देती है। कहते हैं यहाँ का पानी सबको रास दिया, खास करके हम दिल्ली वालों को। दिल्ली वाले बड़े मकानों में रहकर
पैसों के बल पर ताकत की लड़ाई लड़ते हैं और मुंबई वाले छोटे कमरों में रहकर ताकत के बल पर पैसों की लड़ाई। मैं जानता था ये शहर मुझे रास आने वाली थी क्योंकि इसने मेरा स्वागत पहले से ही कर दिया था। हेलो, हाय, जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाय तरुण, व्हाट्स अप? एक्चुअली आई वाज ट्राइंग टू कॉल यू सिंस अ व्हाइल। डैड को हार्ट अटैक आया तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ। व्हाट? हाँ, अभी फ्लाइट पे हूँ। तरुण, मैं भी यहाँ से निकलती हूँ एंड आई विल कम टू यू। नो, यू कैरी ऑन, आई विल कीप यू पोस्टेड। ओके, प्लीज टेक केयर एंड कॉल मी इफ यू नीड एनीथिंग। या श्योर, टेक केयर। ओके, बाय, टेक केयर। हाँ, थोड़ा सा टकेला बदलेगा गेम फिक्सर। कैसे हो डैड? फिक्स करवा देते तुम्हें। अरे सर, आप जैसे लोगों की मेहरबानी। हम तो मामूली से दरोगा थे ना। बोरिस टी इज माय मिडिल नेम। मॉडेस्ट नहीं हो रहा, सार्कास्म था, जो आपको समझ में नहीं आएगा। खैर, बाकी ये पैसे भिजवा देना और उस इंक्वायरी का क्या होगा? बात किया आपने मंत्री साहब से? बात की है, थोड़ा समय तो हो जाएगा, करवाता हूँ मैं। अरे सर, हफ्ते भर का टाइम ले लो, कोई टेंशन नहीं है। और ये जो सिग्नल मॉल के चोचले हैं ना, ये बाहर लोगों के बीच में ठीक है, अकेले मैं पानी डाल के पिया करो, लिवर ठीक रहेगा। हम्म।
फिक्सिंग के काम में एक भसुड़ी तो है। कई बार एक के गांड के टाके सिलने के चक्कर में किसी दूसरे के गांड के टाके खुल जाते हैं, और जिसके टाके खुलते हैं ना वो तुम्हारी गांड के पीछे पड़ जाते हैं। मेरी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। हाँ मासी, दो दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कह रहे हैं। मेरा तो मन बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्या होगा। और आपको पता है, इस बार जब मैंने नवरात्रि रखे थे तो सातवें दिन काल रात्रि माता की पूजा की जगह माँ गौरी माँ की पूजा कर दी। मुझे लग रहा है यही कारण है जो मेरे मलिक पे इतनी विपदा पड़ी। जी ठीक है, आप प्लीज याद से पूजा कर दीजिए। ओके। मिल गई खबर? टीवी पे देखा होगा? नहीं भाभी, मेरा फोन बंद हो गया था। तुझे भी अपने भाई की तरह बंबई की हवा लग गई। वहां बीच सड़क पे तेरे भाई को कोई गोली मार गया और तू ये एक्सक्यूज दे रहा है कि तेरा फोन बंद था। सस्पेंशन से हुई बेइज्जती के बाद मेरे कीड़े बगावत पर उतर आए थे। मुंह में खून लग चुका था और अब मुझे सिर्फ पैसे चाहिए थे। मुंबई शहर में पैसा बोलता है और मैं उसकी स्क्रिप्ट लिखना चाहता था। ये मेरा पहला फिक्स था और इस फिक्स ने मेरी ताबूत पे खील ठोकी थी। बीती रात नवी मुंबई के पांच सितारा होटल से अहाना को गिरफ्तार किया गया। एक्ट्रेस अहाना की अभी तीन फिल्म चल रही थी, जिसमें सबसे बड़ी फिल्म थी बॉलीवुड प्रोड्यूसर विकी कपूर। वैसे आदमी है कौन? ये जड़िया ये वो शर्मा कपूर 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 विकी कपूर बॉलीवुड का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। बहुत कनेक्शन है उसके। जितना बड़ा आदमी ना उतनी बड़ी भसड़, और जितनी बड़ी भसड़ उतना बड़ा फिक्स। फोन उठाओ, किसी फाइनेंसर का फोन होगा। हेलो, कपूर बोल रहा हूँ। सर चलते टीवी ऑन कीजिए, पूरी खबर है आना के बारे में। बताया जा रहा है उन पर जिस्म फिरोशी का संगीन आरोप लगाया गया है। इस खबर से पूरी बॉलीवुड सकते में पड़ चुकी है। इस वक्त उनकी तीन फिल्में चल रही हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है बॉलीवुड प्रोड्यूसर विकी कपूर की फिल्म सिलसिला जिस्म का। कौन बोल रहे हैं? भाई से सुन, हकीम दादा क्या से बोल रहा हूँ, कल तीन को का तैयार रखना, लड़के को भेज दूंगा। अबे सुन, मैं दिल्ली का हूँ, दिल्ली का, ठीक है ना? ये एक्सट्रासन कॉल जो तू मुझे कर रहा है ना, ये सब पुराने पेंतरे हो चुके हैं। पुरानी फिल्म में बना बना के मैं भी बर्बाद हो गया हूँ, समझा? टाइम बदल गया है और तू भी बदल गया। ये मरने मराने वाले फोन कॉल ना जाके अपने बाप को दे, ठीक है? मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। होटल रूम में उस लड़की को चूतिया बना के जो उसकी ले रहा है ना, उसका फुटेज ही काफी है। फटी ना, तो पैसे रेडी रखना। और अगर पुलिस ऑफिसर मलिक को इन्फॉर्म किया ना, तो पहले मारूंगा फिर बदनाम करूंगा, समझा? चल फोन रख। क्या, कौन था? गलत टाइम पे फोन कर देते हैं। पप्पू सो गया। ये मलिक कौन है? लाइसेंस दिखा, आरसी बुक है क्या? ये प्रकाश घुया, ये थे दाखो दे मैं आरसी बुक का नहीं लाइसेंस साले। अरे मैडम आप जाइए जाइए, ये जाओ दे जाओ मैडम। चलो सर। अब उनका तो काम हो गया, लेकिन वो आना, मैंने तीन दिन उसको ट्रैक किया। अच्छी लड़की है, फंस गई मुझे। क्या है साहब, मेरा जो मर्द है ना, वो मेरे को हमेशा बोलता है कि एक दिन ना मेरा जो भी मैंने कांड किया है उसका मेरे को पाप चढ़ेगा। We'll be right back.
वेलकम मलिक, वेलकम टू कपूर ग्रैंडसन्स एंटरटेनमेंट। थैंक यू कपूर साहब। एक्सक्यूज मी सर। बोलो जुली। सर ये कुछ बिल है, नेल स्पा, ई क्लोथिंग और विक्टोरिया सीक्रेट। किसका सीक्रेट? विक्टोरिया सीक्रेट लॉन्जरी। मैंने तो कोई लॉन्जरी नहीं करी थी। रिलैक्स सर, ये सोनिया मैम के बिल है। निकाल के रख लो सर, अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे चलाई भी है कभी या फिर? अरे भाई दिल्ली से हूँ, वहाँ बहुत चलाई है और यहाँ बॉम्बे में भी। भाई गैलेक्सी में मेरा उठना बैठना है भाई के साथ। अच्छा, माता का आशीर्वाद है, बॉम्बे में हर किसी को जानता हूँ। तुम्हारा कुछ काम वाम हो तो बता देना, करवा दूंगा। कमाल है सर, ठीक है चलता हूँ मैं। अरे भाई मुझे लगा आपको मुझसे काम होगा, लेकिन आप तो मुझसे काम मांग रहे, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे भाई मेरी बात सुनो, कल रात को मुझे किसी दादा हकीम के यहाँ से फोन आया था। वो मेरे से 3 करोड़ रुपए एक्सटॉर्शन मनी मांग रहा था। उसने कहा कि अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो मुझे जान से मार देगा। मलिक मैंने सुना है कि तू बहुत बड़ा फिक्सर है, मेरा ये काम कर दे यार। जान से मार देगा तो दे दो पैसे। अरे मलिक कहाँ से आएंगे पैसे, सिलसिला का रीमेक, सिलसिला रुक गया फ्लॉप, कयामत का रीमेक फिर से कयामत फ्लॉप, सबके सीक्वल प्रीक्वल चल रहे हैं, बस मेरे नहीं चल रहे। फिर तो दादाजी को मारना ही पड़ेगा। 40 लाख रुपए। मैंने सोचा था कि नॉन नेगोशिएबल। चलो फिर। वैसे तो मैं बाहर किसी को छोड़ने आता नहीं, लेकिन तुम मेरे लिए स्पेशल हो। नाइस सनग्लासेस। हाँ चलाने को बोल रहा हूँ, हिलाने को रे, फायर। क्या कपूर साहब, अरे डरो नहीं कपूर साहब, देख लिया इन लोगों ने मुझे, अब कोई नहीं मारेगा आपको। वैसे भाई के साथ उठना बैठना नहीं है, लेकिन इतनी तो अपनी भी चलती है बंबई में। वैसे अब आपका बिल 40 लाख 10 हजार हो गया। 10 हजार क्यों? अरे नजर जो लगा दी आपने। मैं आना। चलो तुम्हारी बेल हो गई। बेल हो गई। ए आना, ए आना, आना। साइन कर। मैं एक फोन कर सकती हूँ प्लीज? ये फोन, तेरा सामान, जो भी करना है घर जाके कर, अभी साइन कर। मेरी बेल किसने कराई? किसने कराई, क्यों करवाई, काहे को तेरे को? जा घर पे जा, पर्चा और ले। निकल मेरे घर से बाहर, तेरे जैसे धंधा करने वाली के लिए कोई जगह नहीं है मेरे घर में। गेट आउट, जस्ट गेट आउट फ्रॉम हियर। यही रुको। बिरयानी बिना रायता जैसे बेगम बिना शौहर। मैं एक्चुअली आपके पति की तारीफ करने आया। हॉस्पिटल में लेटे लेटे करीम मिर्जा जैसे क्रिमिनल को मरवा डाला। नाइस। एनीवेज आई एम इंस्पेक्टर कदम, अमित कदम, क्राइम ब्रांच। मलिक के केस का इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा हूं, तो
केसर जी, जो पिछले 9 महीने में आपके हस्बैंड यहाँ मुंबई में फिक्सर बन गए हैं, कुछ कहना है आपको इस बारे में? मलिक जो भी करते थे किसी को पता नहीं लगने देते थे, लेकिन एक बात तो क्लियर है, उन्होंने यहाँ रह के 200 से ज्यादा दुश्मन बना रखे थे। मुझे उनकी जान की बहुत टेंशन हो रही है। सुबह उन्होंने मुझे बताया कि कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है और अगले 48 घंटों में उन्होंने वो नहीं किया जो वो चाहते हैं तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। और अब देखिए ये सब। कौन थे वो? मलिक ने कुछ बताया? उन्होंने बस इतना ही कहा कि वो हैंडल कर लेंगे और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मैम, टेंशन की तो बात हो गई है। वैसे रायते की जरूरत है नहीं, ऑलरेडी काफी फैल चुका है। खैर अभी के लिए मुझको जल्द मिलेंगे। पागल पागल है क्या तू? आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है ना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है? कितने गंदे गंदे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। घर वाले मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते, फ्रेंड्स भी फोन नहीं उठा रहे, एवरीबॉडी इज कॉलिंग मी अ फकिंग होर। जिस भी कमीने ने मेरे साथ ये सब किया ना, कुत्ते की मौत मरेगा वो। ए, गाली नहीं देने का सांप को, सांप के सामने। सांप तो मारे होंगे, मेरे कुछ नहीं लगते। अरे सुन, तेरे को पता है ये कौन है? तेरे बेल का जुगाड़ इन्होंने ही किया। इससे अच्छा तो नहीं कराते, कम से कम पुलिस स्टेशन में एक छत तो थी मेरे पास। Relax, listen, just relax. Calm down. मेरे पास घर नहीं है, बताया ना मैंने आपको। ठीक है तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। Of course, बेल जो कराई है आपने, कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। ये all are the same, हाँ? इसमें साहब, तुम्हारी तरह मेरा दिन भी ना एक्शन मूवी जैसा था, इसलिए सीधे सरल शब्दों में समझ जाओ। इंसानियत के नाते कर रहा हूं। अरे मैं जानता हूं मैं गलती करने आ रहा हूं, लेकिन अगर गलती इतनी खूबसूरत हो तो उसे करने में बुरा भी नहीं लगता। आखिर लोग ड्यूअल सिम के बंदी दो फोन भी तो यूज करते ही है ना। केसर यार, तुम ना टेंशन बहुत लेती हो। टेंशन की बात है मलिक, सर हम गोलियां चली हैं तुम पे, यहाँ यहाँ सबकी जान गले में अटकी हुई है। पता नहीं कैसा शहर है मुंबई, आज वो सिद्धेश्वर महाराज का देहांत भी हो गया है वहाँ। प्रयागराज वाले आश्रम में तो चंगे भले थे वो। अच्छा, तुम मानती हो उन्हें? मैं नहीं, मम्मी मानती थी। इनफैक्ट वो कहती थी कि मैं उनकी ही देन हूँ। वाह, ऐसा लगता है बाबा जी का प्रसाद सबने खाया। अरे अरे, बहुत मेहनत की होगी तुम्हारी मम्मी जी ने, तो फिर इस खास लड़की के लिए खास गिफ्ट भिजवाना पड़ेगा। 52 इंच का टीवी भिजवाना, हाँ उसी पे आपने सीरियल देख लेना। वो सब तो ठीक है मलिक, लेकिन एक बात सच्ची बताना, तुमने वहां मुंबई में कोई रख तो नहीं ली है ना? कैसी बात कर रही हो केसर, दिल्ली आ रहा ना, फिर मजे करेंगे, तब तक टीवी पर अपने सीरियल के मजे लेना। बाय। भाभी क्या बात है, इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो? मैं बस ये सोच के टेंशन ले रही हूँ कि टीवी किस दीवार पे लगाऊं। वो सीधे जाके दाहिने में जो कमरा है ना, वो तुम्हारा है, तुम जाकर वहां पर आराम कर लो, जस्ट रिलैक्स। हेलो, अरे मुंबई पुलिस से कोई है इधर? अरे दो कॉन्स्टेबल्स की ड्यूटी रहती है इधर। हेलो, कोई है मुंबई पुलिस से इधर? कहाँ थे आप लोग? मल्ली के कमरे के बाहर गेट पे ड्यूटी रहती है ना आपकी? अरे मैडम उनको किधर ही थे, क्या हुआ? कुछ होने का वेट कर रहे हैं आप लोग। काम डाउन मैडम,
मैं नीचे गया था, ये लोग मुझे ब्रीफ करने आए थे। बोलो क्या हुआ? जो भी करना है यहाँ आकर करिए। जितनी देर में आप नीचे गए थे उतनी देर उनके लिए काफी है मलिक के साथ कुछ भी करने के लिए। वो मर भी सकता था। बहुत कमीना शहर है। कभी कभी ये इंसान को ताकतवर होने की गलत फहमी में रखता है। मैं भी इसी गलत फहमी का शिकार हो गया था। ना समझो से मेल और औकात का खेल आज नहीं तो कल इंसान को मार ही देता है। I've been wanting to thank you for everything you've done. Finally feels home. आदमी को सेक्स दो रंगों में मिलता है, हाथ पीले करके या मुंह काला करके। मुझे दोनों मिले। मुझे पता था कि मैं गलत कर रहा था, शायद मुंबई की हवा का असर था। सुबह तो अभी दूर थी और ये नशा इतनी जल्दी मेरे सर से उतरने वाला नहीं था। अब कैसी तबीयत है मलिक की? कुछ कहा नहीं जा सकता। आप बताइए आपकी इन्वेस्टिगेशंस कहां तक पहुंची? देखिए मलिक ब्लड पेयर किसी से मिलने गया था जहां पर उस पर किसी ने 9mm ऑटोमेटिक पिस्टल से दो गोलियां चलाई। अटैक करने वाले का अभी तक कुछ पता नहीं चला। केशव जी यू हैव टू हेल्प अस। मलिक का कोई दुश्मन था या आपको किसी ने कोई शक? वहां मेरी बीवी अपने कुमकुम के लिए व्रत रख कर मेरा भाग्य सुधारने की कोशिश कर रही थी और मैं यहां रागिनी के साथ एमएमएस बनाने की सोच रहा था। बाय द वे, दो दिन पहले एक वेडिंग परफॉर्मेंस का ऑफर आया था। स्कूल अच्छा है, बैक इन द गेम। पर एक प्रॉब्लम है, इस द दाल में आस, थरुण की शादी है। वही सब जानबूझ कर कर रहे हैं, वो बस तुम्हें वाह बोला कर बेइज्जत करेगा, दैट्स अबाउट इट। पर पैसे अच्छे हैं। हाँ ना? एक्सक्यूज मी। क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं, कुछ काम था। काम तो था लेकिन कर नहीं पाओगे तो। ऐसी की बात करिए मुझे। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम वापस कब आ रहे हो? जल्द ही। क्यों? कुछ काम है। कुछ तैयारियां करनी है। तैयारियां? किस चीज की? बेड की मरम्मत करवानी है, बहुत शोर करता है। केसर 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 सुनो, मैं कहीं बाहर हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, तुम फोन रखो ना। जाओ। नहीं रखती। क्या कर लोगे? नहीं रखोगी तो मुझे भी तुम्हारी कमजोरियां पता है। तो तुम्हारे कान के पीछे जो दिल है ना, शुरुआत वहीं से करते हैं। धीरे धीरे तुम्हारे कमर का बोल, साझा हाथ लगाने से भी तुम्हें तकलीफ होती है, दिल में ला जाती हो तुम। मासी आ गई है। मासी इतनी जल्दी आ गई? मैं बाद में बात करती। अरे के कमाल है, I'm performing. अरे यार शिट, ये अगर कोई बेवफा पति मेरी ये कहानी देख रहा है ना तो उनके लिए एक एडवाइस है, ये दो नाव में सवार होने वाले लोगों को ना कश्ती मिल पाती है ना किनारा। अब यहाँ ना डेफिनेटली भाइयों की पार्टी में डांस करेगी और जब तक उसके पाँव चलेंगे मेरी सांसें रुकी रहेगी। तो क्या सोचा आपने आना के बारे में? अरे आना के लायक कोई फिल्म नहीं है मेरे पास, समझ डार्लिंग बात को। देख मलिक, प्यार दे प्यार ले, पाल मत, ये मुंबई है मुंबई। अरे क्या मुंबई मुंबई लगा रखे हो, गांधी जी सब करा सकते हैं, पैसा बोलो ना कितना लगेगा। मलिक मेरे भाई बात पैसे की नहीं है, यहाँ बहुत सारी चीजें होती है, स्टोरी स्टूडियो फाइनेंसर हीरो को कन्विंस करना पड़ता है।
तू आना के साथ थोड़ा टाइम दे, बाकी मेरे पे छोड़, मैं कुछ करता हूँ, ठीक है? ये सारा ये उड़ेगा कैसे यार ये? अरे अब इसे कौन समझाएगा कि मेरी हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो गई थी, ना पीवी का ना बेब का। आना को फंसाया तो मैंने ही था, लेकिन अब उसके साथ इन्वॉल्व हो गया। आना से प्यार करने लगा था, लेकिन उस प्यार में एक डर छुपा था, डर इस बात का कि कहीं आना के फिक्स के बारे में तालमिया उसे बता ना दे। फिर तो आज से प्यार भी जाता और साला रेपुटेशन भी, दोनों सूरतों में लगने तो मेरे ही थे, समझा? चल तो निकल। हाँ मासी, पता नहीं चल रहा, लेकिन डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बड़ा अजीब सा शहर है ये, सारा टाइम मच्छी की बात आती रहती है। नहीं नहीं, पकी हुई मच्छी की नहीं, वो जो फिश मार्केट में आती है ना। एक्सक्यूज मी, एनी अपडेट? अभी तक तो कोई अपडेट नहीं है। दिल्ली में 11 पंडित पिछले 14 घंटों से लगातार महामृत्युंजय का पाठ कर रहे हैं, और आपको पता है मैंने भी मन्नत मांगी है, जब तक मलिक ठीक नहीं हो जाते मैं नॉनवेज को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। भाभी ये लो, आपने फिश मंगवाई थी ना? ये लो, मैं निकलता हूँ। साहब, ये तो वही लड़की है ना जिसको आपने मलिक के साथ फिक्स किया था? आप वो लोग मुसीबत से भागते हैं, आपने तो घर बुला लिया है। मुसीबत देखने में खूबसूरत होनी चाहिए शराफत साहब, फिर वो घर पे रहे या बिस्तर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। शराफत की प्रतिमूर्ति जानू से इश्क हो गया हमें। इश्क हो गया है? झूठ बोल। हेलो, हाँ जानू, अलग ही नवाब निकला। पहले लड़कों के साथ पकड़ा गया, फिर एक लड़की से प्यार किया, आप किसी और ही लड़की से शादी करने आए। हर घाट का पानी पीने से बाईसेक्सुअल देखा था, ट्राईसेक्सुअल पहली बार देख रहा हूं। सब कुछ ट्राई करना है इसे। अंदर नहीं बुलाओगे? By the way, I've paid for the rooms. पैसे आपने परफॉर्मेंस के लिए दिए, आपको पर्सनली एंटरटेन करने के लिए। तुम्हारे डांस की तारीफ करने ही आया हूँ मैं। Of course. You were good, but बीच में तुम तरुण को देख के थोड़ा
ठंडी भी पड़ गई नहीं। Why didn't that happen? आपको तो बहुत मजा आया होगा ना जी अपने एक्स बॉयफ्रेंड की शादी में नाचते देख के। Don't call him your boyfriend. He doesn't know how to keep a woman happy. You don't know. तुमने तो बहुत बताया उसके साथ। You're drunk. You must leave. 20 lakhs. एक घंटा चाहिए तुम्हारे साथ। मेरा बॉयफ्रेंड है। शादीशुदा फिक्सर जयवीर मलिक, जिसने तुम्हें सेक्स रैकेट पे फंसाया था। बॉयफ्रेंड तो है तुम्हारा। पैसे मैंने दिए थे उस काम के लिए, पर काम किया तो उसी ने था सारा का सारा। Listen, girl. ये दुनिया आगे आगे अपने दुखड़े रोने से कुछ नहीं मिलने वाला। यहाँ पे जो चाहिए ना वो खुद लेना पड़ता है। उसको जो मुझसे चाहिए था वो लेके चला गया। मुझे जो तुमसे चाहिए वो मैं यहाँ पे लेने आया हूँ, और तुम्हें जो मुझसे चाहिए वो तुम्हारे सामने पड़ा है। इट्स योर चॉइस, टेक इट। चल आहना, क्या भद्दा मजाक है ये? क्या हुआ? वीडियो देखा आपने? अकेले मत देखना, बीवी को जरूर दिखाना और बेटे को तो प्लीज जरूर दिखाना। He'll be proud of his father. वैसे वायरल मैं करूँ या आप करोगे? बात सुन, पैसे चाहिए थे तुझे, मिल गए। तुझे क्या लगता है मैंने ये सब पैसों के लिए किया? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा करियर, मेरे सपने, मेरा घर, सब कुछ तेरी वजह से खराब हुआ। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती। अरे तेरी माँ। हेलो मालिक, I'm so sorry. हाना तुम रो क्यों रही हो? मालिक वो दाल में क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। उसके कुछ करने से पहले मैंने उसे थप्पड़ मार के रूम से बाहर निकाल दिया। पर मेरे पास वीडियो है। I should have listened to you. मैं उस दाना को छोड़ूंगा ना। I won't leave him. Send me the video. भेजती हूँ। सर जयंती सुनो, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कल रात का आना के होटल रूम की लॉबी का सीसीटीवी फुटेज निकालो। ओके सर, मैं फुटेज लेके पहुंचती हूँ। इतनी देर अंदर क्या कर रहा है? खेल गए।
जी सर। अरे ये तो बहुत खूबसूरत है। एक तो एयरपोर्ट लेने नहीं है, ऊपर से मुंह फुला के बैठे हो। क्या हुआ? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? इतनी खुशी हो रही है कि खुदकुशी करने का मन कर रहा है। लेकिन सर उस काम का थोड़ा स्ट्रेस है। चक्कर फ्रेश तो कराऊं। बाद में मिलते हैं। जी मिस दानिया। नीड योर हेल्प। मिस दानिया मैं जानता हूँ आपकी प्रॉब्लम क्या है। मलिक इस अहाना का कुछ करें। मेरी फैमिली की सालों की मेहनत और इज्जत को शिल रुइन इट। वक्त बहुत कम है एंड आई रियली नीड टू मीट यू। आना तुम जो भी कर रही हो बहुत गलत है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम पड़ जाओगी कि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। जिस कॉल नहीं और आई शिट। कहाँ जा रहे हो? अभी तो मैं आई हूँ। दानिया के यहाँ जा रहा हूँ मैं। शादी पे जाना है ना, मैं भी साथ चलूंगी। हाँ मेरी कोई बोलने वाली बात है उसलिए तो तुम मुंबई आई हो ना। तुम नहीं जाओगी तो मैं कैसे जाऊँगा। लेकिन अब जाओ दानिया के। आता हूँ। आई नो दैट ये करना आसान नहीं होगा बट मलिक सिर्फ तुम ये काम कर सकते हो। वैसे भी तरुण जो कह रहा है आई थिंक हमारे पास सिर्फ वही ऑप्शन है। अब शुरू होता है फिक्सर मलिक का खेल। पहला पैतरा तरुण के मंगेतर निधि और उसके परिवार को निपटाना। हाँ केसर। कहाँ हो? अरे मैं अग्रवाल जी के यहाँ, बाद में फोन करता हूँ ठीक है? लेकिन तुम तो डालमी के यहाँ गए थे ना। सर तुम समझ, बाद में करता हूँ। दूसरा पैतरा तरुण आहना को शादी के लिए कन्विंस करेगा। मेरे डैड ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसे तो मैं बदल नहीं सकता। और आज तक तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है आई वांट टू मेक इट अप टू यू। विल यू मैरी मी? तालमेल खानदान की बहू होने के बाद डिवोर्स में भी तुम्हें 200 करोड़ से ज्यादा मिल सकता है। और क्लाइमैक्स में मीडिया को ये पारिवारिक लव स्टोरी भेजना। सर आपको कैसा लग रहा है? हम भी प्लान में हनीमून। एक्चुअली मैं और आना शादी कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज इनवाइटेड बट दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। मुझे तो पता ही नहीं कि इसी आना की शादी है। देखो ना फालतू में तुम पे शक करती रही। मेरा तो पीने का बहुत मन कर रहा है आज। आप कुछ लोगे? और तुम? मेरा तो सुबह से ही शुरू है। आपको कंपनी देगी ना? चेस मैं अभी आती हूँ। हाँ सर आप एक तो बायोपिक बनना चाहिए। जिस लड़के के साथ चक्कर था उसी का फिक्स किया। वो लड़की वापस अपने आशिक के पास चली गई और उसका बाप के साथ चक्कर हुआ। उसी लड़की की शादी में आप अपने औरत के साथ खड़े हो। वाह सुपर हिट फिल्म है सर। तो ब्लॉकबस्टर नहीं बनेगा। लड़की के पिता को कन्यादान के लिए बुलाइए। पिताजी तो नहीं है पंडित जी। पर कन्यादान किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा। अरे डालमिया साहब आप भी पिता के समान हैं, आप ही कर दीजिए।
पान नको। वेरी कंफ्यूज्ड। कंफ्यूजन म्हणजे? तरुण के प्यार के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, पर वो मलिक को उसकी बीवी के साथ देख के ना मेरे अंदर से कुछ हो रहा है। आई कांट हैंडल इट। ये तू कुछ उल्टा पुल्टा मत करा, तू तीन जिंदगियां बर्बाद करेगी, एक तेरी तरुण की, दूसरे अपने मलिक साहब और उसकी औरत की, और तीसरे वो बुड्ढे दालमिया की। वो अंदर में जो तेरे आवाज है ना उसको म्यूट बटन पे डाल दे, इसको भी डाल दे। हेलो, याद है ना न्यू बॉम्बे का कांड, तब जानते मैं। आज तो कौन है? पता नहीं, कुछ दिनों से कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कह रहा है वो नवी मुंबई का जो कांड हुआ था उसके बारे में सब जानता है, किसने किया, किसने करवाया। अच्छा, सब कुछ। और क्या मांग रहा है वो? कुछ पैसे वैसे मांग रहा है? कुछ बोल रहा है? क्या बोल रहा है? 25 लाख। अच्छा, तू वो फोन इधर दे, पुलिस वाली है, मैं तेरी मदद करेगी रे, दे। सब ठीक है ना? खाक ठीक है सर, एक नया प्रॉब्लम है, वो आना को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, उसको नवी मुंबई कांड के बारे में सब इंफॉर्मेशन है, तो ये हमारा भांडा फूट नहीं जाए सर। जल्दी एक काम कर, अपने उस हैकर दोस्त को फोन कर। कौन है? आशी रोडकड़ मैडम। अच्छा सुन, ये नंबर नोट कर, 9820215738। अभी इस पे 5 मिनट पहले एक फोन आया है, उसको ट्रैक कर, लोकेशन बता। आपका मिल गया मैडम, और उसका भी लोकेशन मिल गया। वो आपसे 90 मीटर की दूरी पर खड़ा है, फोन सेम इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन जो सिम कार्ड है ना मैडम वो अलग है। आप उस तक फटाफट पहुंच जाओ मैडम। सर इधर ही, इधर ही, किधर है वो? गोपाल को इस वक्त एक्सपोज करके पकड़ना बहुत आसान है, लेकिन एक अच्छे फिक्सर की यही पहचान होती है कि वो अपने प्यादे का इस्तेमाल सही वक्त पर करे। गरम तवे पे एक और रोटी सेक लो तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर तवा आग से नीचे उतर जाए तो मामला ठंडा भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ उस शाम को भी हुआ था। उस आंच पे चढ़े तवे की तरह शादी का पंडाल लगा हुआ था और दालमिया परिवार ने एक और रोटी सेक ली अपनी इज्जत की, लेकिन ये रोटी काफी लोगों की जिंदगी में बदहजमी लाने वाली थी। सर आज तो आप दालमिया के बेटे की पार्टी में जाने वाले थे ना? यहां मैं इसलिए आया हूं ये कहने के लिए सावंत, यार तुम्हारी इंफॉर्मेशन एकदम सही थी, इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया कि करीम मिर्जा जो है यहाँ मुंबई में। पर इंटेलिजेंस आपको करीम का नंबर नहीं दे सकती, ये मुंबई पुलिस आपको करीम का नंबर देती है। इलीज़ सर, तो लगाएं फोन, देखते हैं हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट जो एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। सलाम साहब, ये लीजिए कड़क अदरक वाली चाय। अबे भोसड़ी के, दरवाजा नोक करके आया कर, चल निकलिए भाई। सॉरी, लगा करीम को फोन। कौन? हाँ भाई करीम, पहचाना? शरावत बोल लो। शरावत? खुद की जान की भीख मांगने के लिए फोन किया है? कोई फायदा नहीं। अरे क्यों पुराने विलेन इधर डायलॉग बोल रहा है? हैं? मैंने नहीं मारा था, मलिक ने मारा था। पर उसे भेजा तो तू नहीं था। अब मिर्च खाकर अगर बवासीर हो जाए तो उसमें मिर्च की गलती है कि मिर्च बेचने वाले दुकानदार की? तेरी बेगुनाह बीवी को मलिक ने मारा, मैंने उसे उस जुर्म में पुलिस से सस्पेंड कर दिया था, और आज वो मुंबई में बैठा ऐश कर रहा है। मैं जितना मैं एक महीने में अंडर टेबल नहीं कमा पाता हूँ, उतना वो एक फिक्स में कमा लेता है। भाई ऐसे आदमी को तो मैं
पुलिस फोर्स में देखना नहीं चाहता, इसलिए देख हम दोनों का दुश्मन एक है। तू अगर चाहता है, बोला अगर तू चाहता है तो उसे मारने में मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। पर मैं तुझ पे भरोसा क्यों करूँ? कोई ऑप्शन नहीं है ना, मलिक को मारने में हम दोनों को एक होना पड़ेगा। कैसे? वो जंकयार्ड वाले गोडाउन में उसको बुलाता हूँ, वहाँ दोनों भाई मिलके जयवीर मलिक को ना समझ रहे हो ना? ओके। जयंती। हाँ बोल, अब क्या नया त्रास है तेरे को? वो बिजली का बिल आया है। तो क्या मैं ड्यूटी छोड़ के बिजली का बिल भरने जाऊँ? बिल मैं भर दूंगा, तेरे हिस्से के पैसे। अरे अलमारी में है ना, तेरे को पता है ना, मेरे को क्यों पूछ रहे? नहीं मैं तेरी अलमारी में हाथ नहीं लगाऊंगा। जो करना है कर। हेलो मैडम, एक बड़ी खबर है, कुछ बड़ा कांड होने वाला है। शेरावत सर सिर्फ डालमिया के बेटे की शादी अटेंड करने नहीं आए, बल्कि उनका मलिक के खिलाफ जबरदस्त प्लान है। करीम मिर्जा याद है ना मैडम? मैंने सुना है कि उन दोनों के बीच मांडवली होने वाली है, जिसे करीम सरेंडर कर देगा। इसका असर मलिक साहब पे भी हो सकता है। करीम और शेरावत दोनों मलिक के दुश्मन हैं। मलिक सर को प्लीज इन्फॉर्म करिए कि इन दोनों से बच कर रहे हैं। जी मैडम। सुबह सुबह नाश्ते में ही मुझे जयंती ने पूरी खबर का प्रसाद दे दिया। जयंती, क्या मोमो खा? अरे सर, अपन वड़ा पाव का बेटी, ये मोमो मामा से कभी पाला ही नहीं पड़ा। अच्छा ट्राई करती हो? मैं खा के तो देख। जो बड़ा भजिया सब भूल जाएगी। मस्त हुआ क्या साहब? इसमें ना लहसुन ना हरी चटनी है ना पाव ना बटाटा, ये थोड़ा बटाटा डाल इसमें। अच्छा साहब, वो चैप्टर है ना पुराना टिप्पर, वो जो बोलता है 100% होने में। चैप्टर ने बोला करी मुंबई आया है, डालमिया के यहाँ शादी है, शेरावत बाराती बन के आए हैं। खबर पक्की है, शेरावत करीम मिर्जा के साथ मांडवली करके आपको उसकी बीवी के मर्डर केस में फंसाने के चक्कर में। तो काम कर, वो आना का ब्लैकमेलर है। हाँ, पर ये तो गोपाल है। तू जी सर, तू करीम से मेरी मीटिंग ले। नहीं साहब, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। पूछ दे। गोपाल को मैं सेट करूं और आप करीम से मिलोगे, शेरावत और करीम की कहानी एक और वो आना का ब्लैकमेलर गोपाल उसकी कहानी दूसरी। सब दोनों अलग अलग कहानी है तो क्लाइमैक्स सेम कैसे हो सकता है? जयंती, यही तो फिक्सर का काम है ना, जा करीम और शेरावत मिलेंगे ना, उनकी कहानी को ब्लैकमेलर से जोड़ दूंगा, फिर एक उड़ते तीर से मैं करीम और मेरे दुश्मन के पिछवाड़े फाड़ दूंगा। तुम बस वही करो जो मैं कहता हूँ। शक्ल से बहुत शरीफ लगता है, लेकिन वो बड़ी कमीने है। I like मोमो। मुझे पता था यहाँ मेरी जान को खतरा है, पर करीम मेरी मौत बनकर कैसे और कहां से आएगा इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। सलाम मैडम। देगा? नहीं मैडम। काम था तेरे से। मैं तेरा दांत देता हूं मलिक, तुझे पीर को जान से मारने के बाद तुझे लगा मैं पैसा चला गया। पार्सल ड्रॉप करना है। अरे यार, कोई ड्रग्स वग्स का पैकेट नहीं है यार, डर मत। एक बात बता, ये पुलिस की नौकरी से तेरा घर चलता है क्या? मैडम, अब फुटपुट पैसे के लिए अपन रिस्क नहीं लेगा। 50,000
सुलझा करने नहीं हूँ, तेरी जान बचाने आऊँ मैं। सरकारी ऑपरेशन था तुझे मारने का। बदकिस्मती से तेरी बीवी मरी और तू बच गया। कौन मरेगा मुझे? तू मरेगा? तू मरेगा मुझे? मैं नहीं, वो जो रात को तुझसे मिलने आ रहे। पच्चीस अभी, 25 काम के बाद सीधे कांस्टेबल से सिम्बा जा। क्या लगता है तुझे, यशपाल शेरावत तुझे पर्सनल दावत देने आ रहा है? थोक नहीं आ रहा है वो तुझे, समझा तू? किसकी भी बात मान सकता हूं मैं, लेकिन तेरी नहीं। मेरी बीवी को मारा है तूने? गलती थी वो मेरी, तेरी जान बचाकर उसे सुधारना चाहता हूं। तू शेरावत से मिलाना है तो 100% गया। तुझे मेरी बात समझ में आ रही है तो ठीक, पर नहीं है। चला गोली। करीम को तो यकीन दिला दिया था कि शेरावत उसे ढूंढने आ रहा है। अब बस शेरावत को यह यकीन दिलाना था कि करीम को मिलना उसके लिए हानिकारक हो सकता है, तभी मेरा ये फिक्सर वाला प्लान काम करेगा। फोन लगा। हाँ, मैं आ गया। गाड़ी आगे ले आई जवाड़िया। हाँ ठीक है। हाँ दिख रहा है, वहीं रुक, वहीं रुक। आ गया शेरावत। करीम और शेरावत के दिमाग में इतना शक भर दिया कि दोनों मुझसे अपनी दुश्मनी भूलकर एक दूसरे से ज्यादा नफरत करने लगे। शेरावत ने मेरे साथ जो दिल्ली में किया उसकी कीमत उसे मुंबई में चुकानी पड़ी। देख करीम, तेरा गैंग खत्म हो चुका है, पुलिस ने तेरे सारे अड्डों को सीज कर लिया। शेरावत खुद आया तेरी खातिरदारी करने। दिल्ली पुलिस ऑलरेडी तुझ पर बहुत खर्चा कर चुकी है, अब तू तो बचने से रहा। हाँ लेकिन जो मैं बोलता हूं, अगर तूने वैसा किया ना तो तेरा सरेंडर करवा कर सजा आदि करवा दूंगा। मैंने तो पैकेट खा लिया, नहीं दूसरी सबसे पास कर गाड़ी से भरना। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच चीफ यशपाल शेरावत ने कल मुंबई के भांडुप इलाके में एक निर्दोष पुलिस कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी। ये पूरी वारदात एक नजदीकी फैक्ट्री के सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई है, जिसके चलते हुए अब शेरावत सलाखों के पीछे हैं। मालिक साहब, मुंबई आना आपके लिए मस्त रहा। एक साइड पे करीम सरेंडर और दूसरे साइड पे शेरावत, उसने तो लाइफ में सोचा ही देगा उसके साथ क्या होगा। काम अपने अकेले थोड़ी थे,
खुश तो है ना आप उनके पार्टनर। दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर करीम मिर्जा ने आज मुंबई पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। माना जा रहा है कि सरेंडर के पीछे सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर जयवीर मलिक का हाथ है। दिल्ली के जाने माने टॉप कॉप जयवीर मलिक का इस तरह सस्पेंड होने के बाद भी इस कुख्यात अपराधी को पकड़वाना, ये जाहिर करता है कि वो दिल्ली पुलिस के असली हीरो हैं। दिल्ली पुलिस ने उनकी सस्पेंशन को रिवोक कर दिया है और साथ में ही उनके ऊपर लगी सारी इंक्वायरीज को भी रद्द कर दिया है। देखते हैं कि इस मुद्दे पर एक्टर राखी सावंत का क्या कहना है। देखिए, मैं जाने से पहले आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ, पूरे देश की जनता को कहना चाहती हूँ कि जयवीर मलिक रॉक्स। मलिक का सस्पेंशन रिवोक कर दिया और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में एक नाम सामने आया है जो सबकी लिस्ट में कॉमन है, शेरावत। शेरावत? जी हाँ, मलिक ने हाल में ही उसे जेल भिजवाया था, इसलिए उसके पास मलिक को मारने का मोटिव भी था और गट्स भी। हो सकता है, पहले पहले वो अच्छे थे, पर जब मलिक को तरक्की मिलने लगी पता नहीं क्यों जलने लगे थे। जो भी सड़क पे मेरे मलिक को मार सकते हैं उसे ठीक होने के बाद भी नहीं छोड़ेंगे। खतरे से बाहर भी आ जाएगा तब भी सेफ नहीं है इंस्पेक्टर साहब। शेरावत के पास मुझे मारने के लिए मोटिव, गट्स और पावर था, लेकिन सिर्फ शेरावत ही क्यों, मेरी दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी थी। अरे क्या करे भाई साहब, मुंबई मुंबई शहर ही ऐसा है, यहाँ वड़ा पाव में चटनी और फोकट में दुश्मनी ना मांगो तो भी मिल जाती है। ये तुम्हारा बयान है, पढ़ लो और साइन कर दो। प्रोसिक्यूशन के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, उससे हम लड़ नहीं सकते। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम सच के साथ जाएं। तुम्हें टिप मिली थी कि करीम वहां आने वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर किसी ने तुम्हारे खिलाफ साजिश की और गाड़ी में करीम की जगह गोपाल आया। किसी और ने साजिश नहीं की, उस हरामजादे मलिक ने की। अभी दो दिन पहले इसकी शादी हुई थी और कुछ दिन पहले इसकी लो कॉस्ट एयरलाइन भी लॉन्च हुई थी। लकी डूड। ये कहानी में कान फाड़ ड्रामा है, थ्रिलर है, सस्पेंस है, कॉमेडी है और अब रोटरी ट्रेजेडी है। हाथों की मेहंदी सूखी नहीं और बेचारी मेरी एक्स गर्लफ्रेंड विधवा हो गई। जिसके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, उसकी जिंदगी का अकाउंट अब डीएक्टिव हो चुका था। पर मैं इन चूतियों के इमोशंस को अनफॉलो करके तरुण के कातिल को पकड़कर उसका नाम शेयर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड था, क्योंकि उसमें मोनेटाइजेशन का ऑप्शन था। हुआ क्या? पार्टी में थे हम लोग सारे के सारे, आना और तरुण निकले वहां से, उसके बाद क्या हुआ किसी को पता ही नहीं है। कुछ दिमाग काम नहीं कर रहा है, मतलब सोचते तरुण की जिंदगी हमेशा से एक रहस्य थी, फुल ऑफ सीक्रेट्स, और मरने के बाद भी अब उसकी जिंदगी के हर राज को राज रखना मेरा काम था। पुलिस को इन्फॉर्म करने से पहले मैंने तुम्हें इन्फॉर्म किया है, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर पुलिस से ज्यादा भरोसा है। जिसको कुरतना है, जिसको उखाड़ के लेकर आना है, जो करना करो, लेकिन जिसने भी किया है ना, जिस कह रहे पूरी कोशिश करूंगा था मैं सब। एक रिक्वेस्ट है, ये तरुण की था, इस बारे में किसी को पता ना चले, मतलब अभी भी फैमिली की रेपुटेशन के लिए
यू अंडरस्टैंड राइट। कभी लाइफ में अगर जरूरत पड़े ना तुम्हें याद कर लेना, खड़ा रहूंगा तुम्हारे लिए। पहुंच रहे लिए साहब, ये ट्रैफिक ना इतना है ना। ये अच्छा बात है, तुम मुंबई वालों के पास चल दिया। उधर सिचुएशन क्या है साहब? फिलहाल तो मुझे सब पे शक है। वो माँ भी? वो तो शादी करना ही नहीं चाहता था। मेरी जिद्दी की चाहे वो जैसा भी है, उसकी शादी जरूर हो जाए। But I had no idea कि ये सब। कल के बारे में बताइए, हुआ क्या था? हम तो पार्टी में थे जब तरुण और आहना घर के लिए निकले। I wasn't feeling too well, इसलिए पार्टी से मैं और तरुण जल्दी वापस आ गए। तरुण फर्स्ट फ्लोर पे चला गया। क्यों? क्योंकि शायद उसके दोस्त पार्टी के बाद वहाँ आने वाले थे। I guess he wanted to chill with them। तो तुम उसके साथ क्यों नहीं रुकी? अरे बोला ना यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। कल पार्टी में आपने कुछ भी नोटिस किया? कुछ भी ऐसा जो नॉर्मल ना? सब नॉर्मल ही था। सुबह बस ये सब। I'm telling you, Malik, मेरी कोई नहीं सुन रहा, बट तुम उस आहना से जरूर बात करो। I'm sure वो कुछ ना कुछ जरूर जानती है। एक ऐसा आदमी जो मेरे बारे में सब कुछ जानता था, फिर भी उसने मुझसे शादी की। He was always there for me, always. मैं उसे क्यों मारूंगी? क्यों नहीं? 12 कंपनीज का मालिक था, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था तरुण। Now you tell me, sweetheart, कि तुम उसे क्यों नहीं मार सकती? Look, मालिक, तरुण मुझसे बहुत प्यार करता था। प्रॉपर्टी और पैसों के लिए मुझे उसे मारने की जरूरत नहीं थी। बस एक बार बोलती ना तो वो सब मेरे नाम कर देता। और इस बारे में दालमिया और उसकी बीवी को भी पता था। किसी से झगड़ा हुआ था उसका? कोई पुरानी दुश्मनी एनीथिंग? ऐसा कोई खास झगड़ा तो नहीं था। What? क्या बोल रहे हो आप? पर वो उस रात किसी से बहुत गुस्से में फोन पे बात कर रहा था और परेशान था। मालिक, तुम्हें सच में लगता है मैंने तरुण को मारा? मुझे क्या लगता है क्या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब पुलिस आकर यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करेगी ना, you'll be the prime suspect. ऐसा कुछ भी नहीं है इस कमरे में जिसके लिए किसी पे शक किया जा सके, पर खून तो हुआ है। पता करना है कि असली खूनी है कौन। सॉरी सर, लेट हो गई सर। ठीक है, मैंने सब जगह देख लिया, कुछ खास मिला नहीं। तुम भी एक बार नजर मार लेना। ठीक है सर। और हाँ, तालमेल सबसे कहना पुलिस को इन्फॉर्म कर दे। I don't know, but I think it's a murder. Okay, सर। अभी अभी ब्रेकिंग न्यूज मिली है कि तरुण दालमिया, जिन्होंने हाल ही में अपनी लो कॉस्ट एयरलाइन आर्टिका लॉन्च की थी जिसने एयरलाइन इंडस्ट्री में धमाका मचा दिया था, उसका आज सुबह सुबह अकस्मात निधन हो गया है। हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि 2 दिन पहले ही उन्होंने फिल्म एक्टर आहना के साथ शादी की थी। पुलिस की तफ्तीश जारी है, अभी तक पता नहीं चल पाया है कि उनकी मौत के पीछे किसका हाथ है। वो रात को आहना आई थी तरुण के साथ, उसके बाद वो दालमिया अपनी औरत के साथ आया। बीच में कोई आया गया इधर से? कोई मूवमेंट हुआ क्या? ए बोल धवाड़िया, कोई आया था क्या? हाँ मैडम, आया ना, मानव साहब आए थे। मानव कौन? भैया मैं आपको कितनी बार समझाऊं, मैं दालमिया साहब का नहीं तरुण का दोस्त हूँ। सर अगर आप तरुण साहब के दोस्त हैं तो उनको एक कॉल करके नीचे बुला लीजिए ना। मेरे फोन की बैटरी डेड है भैया, अगर ऑन होता मैं नहीं कर चुका होता अभी तक। आप एक काम करो, आप तरुण को इंटरकॉम करो, बोलो मानव आया है। साहब अगर दालमिया साहब को पता चल गया तो?
नहीं चलेगा पता। इंटरकॉम करो तरुण। हाँ सर, आपके दोस्त कोई मानव साफ करके आए हैं। हेलो तरुण, मानव एंट्री कर रही होगी ना उसने रजिस्टर में। वो सब गार्ड लोगों को पूछा, कोई एंट्री एंट्री हुई नहीं है। वो मानव आया और तरुण ने तुरंत बुला लिया रूम में। एक काम करो जयंती, बाकी सब छोड़ो, ये मानव का पता लगाओ, ये कौन है, कहाँ से आया और अभी इस वक्त कहाँ है। मेरी नजर में दालमिया खानदान का हर मेंबर एक सस्पेक्ट था, लेकिन अब उस लिस्ट में एक और नाम ऐड हो गया, मानव। पुलिस की तहकीकात जारी थी, पर उनकी नजर में प्राइम सस्पेक्ट थी आहाना, और उन्होंने शक के बिना पे उसे अरेस्ट कर दिया। गलत आदमी को गलत जगह ढूंढ रहा है मलिक। कौन बोल रहा है? वही पेड़ के ऊपर बैठा बड़े पंखों वाला गिद्ध। ये डालमिया मर्डर केस। ज्यादा मेहनत मत कर, दूर दूर मत देख, फैमिली मैटर है, घर में ही देख, मिलेगा कोई। ओके। शेरावत कहीं मुझे गुमराह तो नहीं कर रहा, पर इसकी कही हुई बात सच निकली तो उसने कहा किसी को घर में ही ढूंढना पड़ेगा। ये जानना बहुत जरूरी था कि तरुण की मौत से सबसे ज्यादा फायदा किसे होता है। हो सकता है कि मानव से मिलके कोई इन्फॉर्मेशन मिले। सर, आप बहुत गलत जा रहे हो। मैं सच कह रहा हूं सर, मेरे को कुछ नहीं पता। ठीक है, माना तूने उसे नहीं मारा, लेकिन तू उस रात उसके घर पे क्या कर रहा था? तीन महीने का कॉल रिकॉर्ड चेक किया सर, कुछ खास मिला नहीं। मैं और डिटेल चेक कर सकती है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कुछ मिलने वाला है। लड़का थोड़ा शरीफ लगता है सर, हरी पुकड़ में उसको मारने का नहीं है। ठीक है, एक बार ट्राई करता हूँ, और हाँ कुछ पता चले तो फोन करना। सर हम दोनों बचपन से साथ थे, बहुत प्यार करता है सर मैं उससे, पर वो आना का उसकी लाइफ में आना और निधि से उसकी शादी तय होना, लड़कियों की वजह से ना सर हम दोनों की बात होनी छूट गई, और मुझे तो लगता है कि इन्हीं गलत चक्रों की वजह से उसका मर्डर हो गया सर। किसी से दुश्मनी थी उसकी? तुम्हारे इन फालतू के बातों से कुछ डरने वाला नहीं हूं, जो करना है कर लो। उसे अक्सर धमकियों भरे कॉल आते थे। हां जयंती, एक हफ्ते पहले मानव ने किसी बैंक में खाता खोला था, आज उसमें किसी ने 50 लाख ट्रांसफर किए। किसने? मिस्टर दालमिया। ठीक बोला था तू, ये फिल्मों में ना सही दिखाते हैं, मार पीट करी ना सर, आदमी जो है वो नहीं सर सच बोलता है। नहीं सर, सर बताता हूँ, बता रहा हूँ, बोल जल्दी। सर मुंह छोड़ोगे तो बताऊंगा सर। बोल। मुझे दिए थे पैसे, मुझे दिए थे पैसे, दिए थे। अबे साहब वो बता जो मुझे नहीं मालूम सर, चैरिटी करते का पैसे मिलेंगे ना। बोल सर, आप फिर कंफ्यूज हो, सर आप फिर कंफ्यूज हो रहे हो सर। सर मुझे पैसे दिए थे, पर ब्रिजनाथ डालमिया ने नहीं, मनमोहन डालमिया ने दिए थे सर। ज्यादा मेहनत मत कर, दूर दूर मत देख, घर में ही देख, मिलेगा कोई। मनमोहन डालमिया।
अरे भाई क्या हुआ? सिक्योरिटी, अरे भाई लाइट क्यों चली गई? ओ मालिक भाई, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है। तुम अंदर तो आ गए हो, लेकिन तुम बाहर कैसे जाओगे? अरे दालमिया साहब, आप खुद मुझे बाहर तक छोड़ने आएंगे, मुझे हाथ भी मिलाएंगे। वैसे एक बात कहूं, ऐसे अकेले चेस वो लोग खेलते हैं जो हारने से डरते हैं। एक मिनट। हाँ, तुम यहाँ तरुण के बारे में जानना चाहते हो, मुझे बहुत दुख हुआ। कामयाबी बहुत कम को मिलती है, वो कामयाब होता है जिसके सर पर कामयाबी ना चढ़े। इसलिए तरुण को आपने उसी के पुराने आशिक मानव के हाथों मरवा दिया है? चेकमेट। अगले एक मिनट के अंदर मेरे सिक्योरिटी गार्ड आएंगे और तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। मैं सब एक मिनट बहुत होता है सच जानने के लिए। तो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? रशियन रूले, एक गोली तुम अपने ऊपर चलाओगे, दूसरी गोली मेरे ऊपर चलाओगे। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं इस खिलौने से डर जाऊंगा? दरमेश साहब, ये थोड़ा अलग है। क्या कर रहा, पागल हो गए क्या? इस पर मेरा बार खाली नहीं जाएगा। तो गोली मत चलाना, मैं सब बताता हूँ। तरुण को मैंने मरवाया था। कहने को तो वो भतीजा था मेरा, पर जिस पर वो जान छिड़कता था उसी के हाथों से मैंने उसकी जान दे दी। साहब, गोली की आवाज आई थी। नहीं, यहां तो कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। चलो 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 चलो। गुड डिसीजन दालमिया साहब, वेरी गुड, लेट्स टॉक। शतरंज के बोरे राजा के लिए काम करते हैं लेकिन उसके साथ नहीं चलते। एयरलाइंस का बिजनेस सस्ती टिकटों से नहीं बल्कि क्लास ब्रांड नेम से चलती है। धरुण के दिमाग में पता नहीं क्या मोटो था कि ट्रेन से सस्ती फ्लाइट, ये प्रपोजल मुझे पिंच कर रहा था। Can you see this? हमारे इस नए प्लान से आइडिया एयरलाइंस ट्रेन से भी सस्ती टिकट्स देगी लोगों को और ये हमारी सबसे बड़ी सक्सेस होगी, आप देख लेना। Shut up! तुम दोनों बाप बेटों को पैसे बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं आता है, और तुम ऐसे प्रोजेक्ट मेरे पास लेके मत आया करो। ओके, नाउ गेट आउट, आउट। स्टपेड, उसका प्रपोजल बिल्कुल बकवास था, बुलशिट। इससे अच्छा है कि कम लोग ट्रैवल करें, रिच ट्रैवल करें, ताकि गरीबों के साथ। पता ही लंदन गया था MBA करने के लिए और तरुण ने उसी आइडिया को लेकर एक स्टार्टअप शुरू किया। अर्टिगा एयरलाइंस, इंडिया की सबसे पहली सस्ती एयरलाइंस। मुंबई टू दिल्ली ट्रेन टिकट्स 800 रुपये, फ्लाइट्स की टिकट का दाम 4000 रुपये। अर्टिगा एयरलाइंस में हम ऑफर करेंगे 800 रुपये में फ्लाइट की टिकट। हमारा कंपटीशन होगा सीधा सीधा रेलवे से, फ्लाइट का कंफर्ट रेलवे के दाम पर। लेकिन आपको नहीं लगता इससे आपके अंकल मनमोहन दालमिया से आपकी लीगल फाइट इंटेंस हो जाएगी? अगर एयरलाइंस घाटे भी जाती तो मेरी बिजनेस का नाम खराब हो जाता। तरुण ने एयरलाइन शुरू की और 40% शेयर गिर गए। मैं तुझे आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, इस प्रोजेक्ट को यही रोक दे, अच्छा नहीं होगा। कॉल करता हूं मैं आपको। हम मेरे मुलाजिम सब बेरोजगार हो जाते हैं। मैंने जो कुछ भी किया प्रोफेशनली किया, नथिंग पर्सनल। प्यार माधव ने तरुण के साथ नहीं, उसके पैसों के साथ किया। मैंने तो सिर्फ एक बैग भरकर
उसे मोटिवेट करने के लिए दिया था और इन द एंड पैसे के साथ सब कुछ सॉल्व हो सकता है। अब तुम बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए? क्या लगता है आपको दालमिया साहब के पैसों के लिए मैं तरुण की मौत को भूल जाऊं? आपके भाई को धोखा दूंगा जिन्होंने हर वक्त मेरा साथ दिया। अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते ना दालमिया साहब तो आप बिल्कुल सही सोचते हैं। तरुण के कातिल को पकड़ने के लिए आपके भाई ने 5 करोड़ का इनाम दिया जो मैं मानव को जेल भिजवा कर उनसे ले लूंगा, लेकिन आपका नाम ना बताने के लिए अलग से 50 करोड़ रुपए लूंगा। पागल हो गया 50 करोड़? मैं सब नए कैदियों के साथ जेल में क्या होता है ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ, आपके भतीजे की तरह आपके नवाबी शौक तो है नहीं जो आप कंफर्टेबल हो जाए। थिंक अबाउट इट। ठीक है, 50 करोड़ दिए, डन। गुड डिसीजन दालमिया साहब, एक्सीलेंट। मैं, अरे यहाँ भी आइए आइए आइए। मैंने कहा था ना कि साहब और रिश्तेदारों से दूर रहना चाहिए। अरे इतना भी प्यार कर ले, शहर दोनों में बराबर का है। अब जाइए दालमिया साहब, जान है तो जान है। हेलो हेलो जयंती, वो मानव को जेल में भर्ती करवा दे और आना को रिलीज करवा दो, मनमोहन दालमिया से डील हो गई है। अरे वाह मलिक सर, क्या न्यूज है। कितने में? क्या हुआ तेरे को, तो ठीक तो है ना? बस ऐसे ही। आज से पहले तो कभी नहीं पूछा कि कौन सी डील कितने में हुई है। अरे ऐसे ही सर। बाद में बात करता हूँ। मानव जेल गया क्योंकि किलर तो वही था। प्लान किसने बनाया वो छुपा कर मैंने 50 करोड़ बनाए, पर क्या मैंने एक और दुश्मन कमाया? घर का बेदी लंका ढाए। उस दिन एक सवाल मेरी खुद की एसोसिएट जयंती ने मुझसे पूछा, क्या वो घर की बेदी थी? क्या इसमें जयंती का हाथ भी हो सकता है? मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं कि 100 हरामी कुत्ते की मौत मरे हुए तब जाकर मेरे ऐसा कमीना पैदा हुआ। मैं जानता हूँ आना भी आना ना गलत था। नहीं नहीं, शादी हुई उसकी, आपके पति मरा है, बेचारी को सुहागरात पसंद है। अब तरुण है ही ऐसा मानी जो खूबसूरत दिल पर कभी पानी नहीं डाले। मेरे मन में आना के लिए प्यार का समुंदर था, और वैसे भी एक पल की है जिंदगानी, उससे भी कम है जवानी। तो प्यार दो और प्यार लो। थैंक यू। सॉरी तरुण की जान गई, सैड। सुहागरात नहीं हुई, सैड अगेन। वैसे क्या ही कर लेते। लोग कहते हैं किस्मत हाथों की लकीरों में होती है, जिसमें पैसा और प्यार दोनों बराबर सा मिलता है। आना का मेरी जिंदगी में लौटने के बाद एक और फिक्स मेरी लाइफ में आने वाला था। इसलिए हर कोई लकीर का फकीर बन जाता है, पर फिक्सर अपनी लकीर खुद बनाता है, क्योंकि सबकी कुंडली उसके हाथ में होती है। मेरी बेटी आपकी बहुत बड़ी फैन है, एक सेल्फी लेते ना। स्टॉप टचिंग मी। स्टॉप टचिंग मी। हाँ एक मिनट रुक तो जाओ। क्या है आगंतुक साहब, हमारे सीनियर साहब जो है ना वो आपके बड़े फैन है। आई मीट हिम। तो क्यों ना थाना जाके एक सेल्फी फोटो खींचा जाए। मैंने क्या किया? व्हाट डिड आई डू? व्हाट? इसके लिए। व्हाट द फक? आगंतुक साहब, आगंतुक खुराना को जानते हो? वो फेमस रैपर, उसको कोकेन के केस में पुलिस ने धर लिया है। कल सुबह मुझसे मिलो। ओके।
आगंतुक कबाब खुराना सीनियर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। 3 हिट फिल्में बनाई है उसने मेरे लिए। इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया में है और उसके यहाँ आने से पहले हमें फिक्स करना है। पैसे की बात कर ली है मैंने। कोई लॉयर किया आपने? एक अच्छे लॉयर को जानती है मैं। अगंतुक का जेल से जल्द छूटना करियर के लिए और उसकी बाप की इज्जत के लिए, ये दोनों जरूरी थे। किसी ने क्या खूब कही है, डोंट रिस्क इट, जस्ट फिक्स इट। और यहां काम आता है फिक्सर, यानी कि आपका दोस्त मैं। सनी, पुलिस CMIR उधारी वालों के लिए सनी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लेकिन अपने दोस्त यारों के लिए सनी हमेशा इधर ही है, एनी टाइम। अरे मैडम आओ ना, अंदर आओ। चले भाई लोग, हल्के हो जाओ यहाँ से फटाफट। बैठो मैडम। CCTV का फुटेज उड़ाना है, ATM का महंगा। फिर और ब्रांच बोलो क्या हुआ यार, न्यू हिंदुस्तान बैंक वो 10th रोड जू वाला। पिएगा तू हैकिंग मैं ड्रिंकिंग। ओके तो कर क्या रहा है यार? अरे मैडम, हर एक ATM का है ना सर्विलेंस कोड होता है, वो कोड से हम लोग बैंक के कोई भी सिस्टम में जाकर उस फुटेज का पता लगा सकते हैं। लेकिन लफड़ा एक है यार मैडम, क्या है ना कि उसके लिए हमको उसका यूजर नेम और पासवर्ड भी चाहिए होगा उस यूनिट का। लेकिन अब टेंशन मत लो, मैंने उसका भी इंस्टेंट प्रोग्रामिंग कर दिया है। 2 मिनट रुको, अभी दिखाता हूँ आपको। यही तो वो वीडियो है मैडम जिसको आप ढूंढ रहे हो, लेकिन इसको आप डिलीट नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हो। इसको डिलीट करने के लिए पहले हमें इसके फायर वॉल को क्रैक करना पड़ेगा, और क्रैक करने के बाद हमें इसके फायर वॉल को फिर से ओवरराइड करना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी मैडम एक प्रॉब्लम है, उससे पहले हम लोग को पता लगाना पड़ेगा कि सर्वर कहाँ पर है। मिल गया सर्वर मैडम, हो गया अपना काम। You may proceed. There is no case here, my lord. मेरे client के celebrity status की वजह से उसे फंसाया जा रहा है। There is no proof, no evidence, no nothing. सिर्फ cocaine की रट लगा रखी है prosecution में। My lord, जब आगंतुक को constable साबले और पाटिल ने पकड़ा था, तब उनकी jacket से 7 ग्राम cocaine बरामद हो चुकी थी। We have evidence, sir. ATM का CCTV footage. तो अगर आपके पास एविडेंस है तो कोर्ट में पेश कीजिएगा। कोर्ट का समय क्यों खराब कर रहे हैं सर? देखा माय लॉर्ड, इस पेन ड्राइव में कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कोर्ट का टाइम खराब कर रहे हैं। माय लॉर्ड, शायद एविडेंस टेम्पर हुआ है। अगर आप इजाजत दें तो हम क्लाउड के जरिए CCTV फुटेज एक्सेस कर सकते हैं। परमिशन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, फुटेज क्लाउड सर्वर से भी हटा दी गई है। दिस इज टू मच योर ऑनर। एविडेंस में सिर्फ 1 ग्राम कोकेन जब्त है। मैं अब कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना फैसला सुनाए। क्योंकि प्रोसिक्यूशन के वकील के सबूत बेबुनियाद साबित हुए, इसीलिए अदालत अगंतुक को 3 महीने का सोशल वर्क का हुक्म सुनाते हुए बाइज्जत बरी करती। अगंतुक को जेल से निकालने के लिए हमारा प्लान कुछ ऐसा था। सबसे पहले तो 7 ग्राम नहीं, 1 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम के साथ पकड़े जाने पर रिहैब, सोशल वर्क और थोड़ा सा फाइन, जेल नहीं होगी। पहले कोर्ट में 7 ग्राम कोकेन को 1 ग्राम। हाँ। 7 ग्राम का 1 ग्राम करने गए। दूसरा, कोर्ट में प्रोसिक्यूटर लॉयर की पेन ड्राइव को चेंज कराना। एक्सचेंज कर बेटा। कोर्ट बातों पे नहीं,
सबूत पर चलता है। एटीएम के सीसीटीवी फुटेज का कुछ करना पड़ेगा। अगर आगंतुक कोर्ट में डीलर का नाम बता दे तो एक अच्छे सिटीजन के नाम पर 3 महीने का सोशल वर्क, थोड़ा बहुत फाइन, सुलटा दें। अगर डीलर के नाम के साथ सबूत भी दे देता तब तो सरकार से नाम की बात भी कर सकते हैं, पर सबूत आएगा कहां से? और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आगंतुक से ट्रक डीलर का नाम कबूल करवाना ताकि एडवाइजर बनी। माजिद अली खान, घंटी बज रहा है इधर भाई। हेलो, माजिद भाई, दिस इज आगंतुक। एक्चुअली इट्स माय बट नो इट माय फ्रेंड बर्थडे थे, मन्नू ना माल चाहिए थे 25 ग्राम ओरिजिनल डिटो सेम। हाँ, बर्थडे रंगीन करने का है, ठीक है, मैं पंटर को भेजता हूँ। सेम जगह सेम भाव, अपने रैपर को देखिया, आज बजाएगा कुछ बढ़िया। My soldier, आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे इतना प्यार दिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे तो पहले से पता था मुझे फंसाया जा रहा है। वाहेगुरु जी सब देख रहे हैं, ड्रग नो वे, नो ड्रग, स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड से नो टू ड्रग। ड्रग दी मार दिया, ड्रग दी मार दिया, ड्रग दी मार दिया, हे डोंट टच मी, ड्रग दी मार दिया, हे डोंट टच मी, डोंट टच मी, अरे डोंट टच मी। हेलो माजिद भाई, छोटा पकड़ा गया और उसने पुलिस के सामने आपका नाम भी ले लिया। कौन था वो? है कोई फिक्सर मलिक। मुझे मलिक का खून चाहिए। आप प्लीज जल्दी 2 बॉटल ब्लड अरेंज कर लीजिए, इट्स वेरी अर्जेंट। और सुनो, कुछ लोग मेरे खून के प्यासे थे और कुछ मुझे खून देने को बेताब। सब मेरा ही फैलाए हुआ है। आज मेरे दुश्मनों की लिस्ट में एक नाम ऐड हो गया, मुंबई का सबसे बड़ा ट्रक डीलर माजिद खान। हिंदुस्तान में अच्छी बीवी और सरकारी नौकरी, किस्मत वालों को मिलती है। मेरे पास दोनों थी, पर साला फिक्सर बनने के चक्कर में मैंने अपने खुद के लगवा दी। अब भुख तो अगले जन्म में तो ये भी मिलने से रहे। अरे वर्मा जी, मैं आपके घर नहीं आ सकता। अरे मेरा इंटरमिटेंट डाइट चल रहा है, मैं खाना सिर्फ हर 16 घंटे के बाद ही खा सकता हूँ। चलिए आप एक काम करिए, आप कल सुबह अपनी बेटी को मेरे ऑफिस भेज दीजिए, मैं उसका ऑडिशन भी ले लूंगा और खा भी लूंगा। जी वर्मा जी, मिलते हैं जी। हेलो, तू उतना चूतिया दिखता नहीं जितना उसे तुझे बनाया। कौन बोल रहा है, क्या बकवास कर रहे हो? मेरी असलियत जानने से पहले अपने दोस्त मलिक की असलियत जान ले। तेरे पे जो अटैक हुआ था वो मलिक ने करवाया था। यकीन नहीं होता, एड्रेस भेजता हूँ, आ जा, सबूत के साथ गवाह से मिलवाता हूँ। इस आदमी से उसने तेरे पर शूटिंग कराई, वो अपना ही पंटर है। सर आपका किटो लंच रेडी है, आपके लिए केला काट दूँ क्या? तुझे केले काटने की पड़ी है या क्या क्या कट गया तेरे को पता नहीं? भाग यहाँ से। मलिक, I really need your help. तरुण की मौत के बाद डालमिया ने फूटी कौड़ी तक देने से मना कर दिया है। मुझे उस घर में घुटन सी होने लगी है यार। सुनो, वो तुम्हें बहुत मानता है, प्लीज तुम कुछ कहो ना, वो जरूर मान जाएगा। प्लीज अगर लड़कियों का टच गरम तवा है ना, तो लड़कों का ईगो मक्खन, लेकिन अब मैं सख्त लौंडा हो गया हूँ। इतनी जल्दी पिघलने वाला नहीं था। प्लीज रियाना, धन्य साहब के बहुत एहसान है मुझ पर,
मेरी वफादारी उनके साथ है। उगते हो ना तुम उनके। जब वो कहेगा भौंकोगे, जब वो कहेगा किसी लड़की की जिंदगी खराब कर दोगे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे तुम कौन सी दूध की धुली हो? कभी सौतन कभी सहेली सुना था, कभी पति कभी ससुर, पहली बार सुन रहा हूँ। हाउ डेयर यू। गरम कॉफी ऑर्डर नहीं किया था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी तो दोस्तों ने ले ली, वहां जा तेल कम था। कपूर साहब ये सब क्या है? तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि शाना कौवा ही कौ खाता है। कपूर साहब पर आप तो इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे थे ना? मलिक हरामजादे, मुझे सब पता चल गया कि तेरे ही लोगों ने मुझ पे गोलियां चलाई थी। तू 9 महीने से मुझे चूतिया बना रहा है? तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया? कपूर साहब, ऐसी घिसी-पिटी डायलॉग्स की वजह से आपकी फिल्में नहीं चलती। अगर छेद करना होता ना थाली में नहीं करता, आपकी सांसें और पादे कहीं और से निकल रही होती। ऐसे किसने कान भरे आपके? मैंने। तूने मेरे धंधे की वाट लगा दी, अब से तेरा ये फिक्सिंग का कार्यक्रम बंद और मेरे नुकसान की भरपाई का कार्यक्रम शुरू। अगर अपनी जान बचाना चाहता है ना तो 5 करोड़ ले आ, वरना कपूर साहब। ये क्या है कपूर साहब, आपकी प्रीक्वेल सीक्वेल नहीं चली तो प्रोड्यूसर से ब्लैकमेलर बन गए? आपकी बड़ी पर्सनैलिटी पर ये सब सूट नहीं करता। 48 घंटे दे रहा हूँ तुझे, 5 करोड़, वरना सड़क पर कुत्ते की तरह तोड़ा के गोलियां मारूंगा। नॉर्मल लोगों में और फिक्सर में ये तो फर्क होता है। नॉर्मल लोगों का अपनी जान प्यारी होती है और मुझे सिर्फ पैसे। मैं अपनी मेहनत की कमाए हुए पैसे अपने बाप को ना दूं तो माजिद कौन सी चीज है? चलो अब इसकी भी गलत फहमी दूर करते हैं। मलिक, इसकी बातें गाड़ में नहीं गू और हगने चले जू। ये मलिक का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पर क्या गारंटी है कि वो लोग तुम पर दोबारा गोली नहीं चलाएंगे? दानिया साहब, आजकल गारंटी सिर्फ टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन्स पे मिलती है, जिंदगी पे नहीं। एग्जैक्टली, इसलिए जब जिंदगी में दुश्मन बड़े हों तो दोस्ती भी बड़े लेवल की करनी पड़ती है। लोमड़ी का शिकार करने निकलोगे तो गिद्ध से तो दोस्ती करनी पड़ेगी ना। शेरावत, इस सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि उसके अलावा कोई तुम्हारी हेल्प कर सकता है। साला वो मेरी मदद क्यों करेगा? मेरी जान पहचान है जेल में, चल के मिलते हैं, देखते हैं क्या निकल कर आता है। बाकी फिक्सर तो तुम हो ही और कुछ ना कुछ जुगाड़ फिट कर ही लोगे। अरे साहब, एक बात करनी थी आपसे। वो आना बुरी लड़की नहीं है, तरुण ने वादा किया था उसे, उसकी आखिरी ख्वाहिश समझकर एक नई शुरुआत करने का मौका दीजिए। मलिक 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 मलिक, एक बात बताऊं, ये लड़कियों में और साबुन में सिमिलैरिटी होती है, दोनों शरीर को लगते हैं ना तो झाग ही निकलता है सिर्फ। लेकिन तुम साहब उनके लिए 200 करोड़ तो नहीं देते? फैमिली मैटर है, इसको फैमिली मैटर रहने दो। आई डोंट थिंक आई रियली नीड योर फिक्स इन दिस। एंजॉय योर ड्रिंक।
नॉर्मली तुम फिक्स करते हो लोगों को, आज मैंने तुम दोनों को फिक्स किया है। वक्त बदलता है शरावत साहब, याद है आप ही ने एक कहानी सुनाई थी, वो चूहे और गिद्ध की। अब आप बताएं कौन चूहा कौन गिद्ध। क्या है ना कि कुछ दिनों की बात है, बस मैं निकलूंगा, फिर उसके बाद। एक मिनट, गुस्सा दोनों का जायज है यहाँ पे, दोनों का जायज है गुस्सा, लेकिन खेल कोई और कर गया ये समझने वाली बात है। कौन कर गया है? सेना। करीम का इनकाउंटर प्लान हुआ था, तुमसे गलती हुई, तुम फंसे, तुमने अपना बदला निकाला, तुमने इनको बलि का बकरा बना दिया ये अंदर। पर पूरे के पूरे खेल में फायदा किसका हुआ? सिन्हा का। ये मलिक सरदर्द से कैंसर बन गया है भाई जी, पिछले दिनों मेरे सारे ठेके बंद करवा दिए उसने। सिन्हा जी अच्छा खासा जमीन हड़पने का कारोबार बंद कर दिया साले ने। भाई जी इस मलिक का कुछ करिए, वरना ऐसे ही चलता रहा तो इस इलेक्शन में हम सब आपके पार्टी फंड में एक पैसा नहीं दे पाएंगे। शेरावत। जयन सर। इंटेलिजेंस से हमें खबर आई है, करीम मिर्जा यहाँ दिल्ली में तारिक के आतंकवादी को लोकल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाला है। एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाओ और उसमें ऐसे कुत्ते भर्ती करो जो भौके कम और काटे ज्यादा। करीम मिर्जा। और हाँ, इनका हेड बनाओ जयवीर मलिक को। 10 करोड़ ले चुका हूँ मैं, करीम का सफाया यानी दिल्ली की गंदगी का सफाया। ठीक है सर, डन सर। जयन सर। मतलब करीम का एनकाउंटर हुआ, ये सस्पेंड, मैं इधर अंदर, मतलब सारा सब। तो अगर सिन्हा को नीचे गिराना है तुम दोनों को साथ आना पड़ेगा। कल में साहब बिना मतलब के आप अपने बाप के साथ खड़े नहीं होते, सिन्हा साहब के पीछे क्यों पड़े? बाड़गंज की सीट कुंडली मार के बैठा हुआ उसके ऊपर, हक तो हमारा भी बनता है। मतलब हम दोनों आपका जिंदाबाद मुर्दाबाद ये करना हम दोनों को है? फायदा हो तो करने में, परेशानी क्या है फिर? पायलट जज मत करो, मेरा काम लोगों को यहाँ पहुंचाने का है। मामा ठुल्ला पुलिस बड़े नाम है हमारे, पर वो सब पार्ट टाइम है, फुल टाइम तो मैं एक फिक्सर हूं। वो कहावत तो सुनी होगी कि जरूरत पड़ने पर लोग गधे को भी अपना बाप बना लेते हैं, और जरूरत पूरी होने के बाद उसी गधे को घोड़ी बनाकर उसी की ले लेते हैं। ये हरामी सेना ने भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही किया। बड़ी गेम खेली गई थी, जिन लोगों पे भरोसा करके मैं दिल्ली में छाती चौड़ा करके घूमता था ना, असल में वही हरामी मेरी छाती में तांबा दागने वाले भड़वे निकले। Thank you.
अब देखो किसी को मतलब ही नहीं है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, भड़वे निकले सब मेरे यार, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, मलिक के पीठ पे गोली चलाए। ने आपकी सुन ली है, मलिक इज आउट ऑफ डेंजर। अगले 48 घंटे उनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। सो डोंट वरी। एक्सक्यूज मी, मलिक को कहाँ लेकर गए? वो वहां पर। थैंक यू सो मच। वेलकम। वे 40 घंटे हो गए हैं लेकिन किसी साले के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। आखिर मलिक को गोली मारी किसने? करीम मिर्जा को हॉस्पिटल में मारा किसने? उसको जेल से कौन ले गया? आप ना एक काम कीजिए, इन सारे लोगों को ना पूरा पता कीजिए कि कौन कहां किधर क्या कर रहा है। यानी इन सब की कुंडली अपने हाथ में आ गई ना तो अपने को पूरा पता चल जाएगा सब कुछ। थोड़ा पीछे जा। ये मेरा काम नहीं तेरा काम है। जल्दी से सबके इंफॉर्मेशन निकाल और डेस्क पे रख। चल जा। करीम मिर्जा शायद केसर और भगवान के जुगलबंदी ने एक्चुअली मेरी जान बचा ली थी, पर फिल्मों की तरह रियल लाइफ में भी अगर क्लाइमैक्स में हीरो नहीं है तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। अब हैप्पी एंडिंग के लिए मुझे सबसे बड़ा फिक्स करना होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत हुआ सत्कार, अब सबकी ऐसी की तैसी। हेलो, अरे यार तेरे को बोला ना पैसे दे दूंगा, बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है ना यार। हाँ क्या किया तुमने? एक मिनट देखिए क्या कह रहा। हेलो जैन जी, जावड़ेकर बोलते। बोला केसर हमारे पास है, 4 घंटे में 5 करोड़ या मेन कोर्स में केसर। फोन रखते हैं, एड्रेस भेजता हूँ। ये और कुछ चाहिएगा तेरे को डेजर्ट में? रबड़ी, रसमलाई, गुलाब जामुन है। गुड जॉब जयंती, 4 आवर्स टू गो। You take some rest now. I'll see you tomorrow. क्या जयंती मुंह क्यों लटकाई है? उठ गया है मैं अभी, चलते ना पार्टी करने, ठीक है? ये केसर का है, मेरे लिए पूजा करिए क्या? अर्जुन बुलाओ उसे, बोल मैं बुला रहा हूँ। बुरी खबर है सर, केसर मैडम का किडनैप हो गया। टेंशन मत लो, मैं आपका फोर्स लगाएंगे। तो पर भाभी को किडनैप कर कौन सकता है?
शेरावत। हाथ वाले रो जल्दी मरते नहीं मलिक, आके लड़े। हाँ बेल हो गई है, आ रहा हूँ मैं। कितने पैसे मांगे? 25 करोड़, 4 घंटे आप उनके पास। पर ये लोग हैं कौन? सर जो भी है पैसे का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा ना सर। 4 घंटे में 25 करोड़ मुश्किल है। एक काम करो, तान्या को फोन लगा। नहीं उठा रहे ले। उसके मैनेजर से बात करता हूँ। तान्या साहब है क्या? मैं मलिक बोल रहा हूँ। वो तो है नहीं, पिछले 2-3 दिनों से नहीं बात की हुई है। हॉस्पिटल में तान्या आया था क्या मिलने? मैंने तो नहीं देखा। नहीं, कस्टमर केयर वाले फोन का बिल नहीं भरा ना तो बार बार फोन करते हैं। मैं फोन लेके आता हूँ। हेलो, आना आना। हाँ जयंती बोलो। आना, मैं मलिक बोल रहा हूँ। मलिक तुम ठीक हो गए? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आना, आई नीड योर हेल्प। हाँ बोलो। मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने? 25 करोड़। 25 करोड़? तुम मजाक कर रहे हो ना? किसी ने केसर को किडनैप कर लिया। उसे छुड़ाने के लिए मुझे वो पैसे चाहिए। वाओ मलिक, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी बीवी को छुड़ाने के लिए मैं पैसे दूंगी? और अगर मैं मान भी गई तो 25 करोड़ कहाँ से लाऊंगी मैं? तुम चाहो तो तुम कर सकती हो आना। मलिक मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। और तुम इतने बड़े फिक्सर हो यार, तुम्हें तो कोई भी हेल्प कर देगा। मैं क्यों? क्योंकि तुम दालमियास की बहू हो। Can you shut the door, please? I'm so sorry, पर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है मलिक के बारे में। Wait. घर पे कोई नहीं है? नहीं, मॉम जॉब पे गई है और सारा स्टाफ मार्केट में। Don't shut the door. क्या वो? Actually, मलिक की बीवी को किसी ने किडनैप कर लिया है और उसे 25 करोड़ की जरूरत है। वो होश पे कब आया? आज सुबह। 25 करोड़? I know you think कि मैं एक materialistic bitch हूँ और मैंने तरुण से सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, पर इस बार मैं अपने लिए नहीं मलिक के लिए आई हूँ। हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसने हमारी बहुत मदद की है। इवन तरुण की डेथ के टाइम ही रियली हर्ट अस। गिव द मनी, दे दो पैसे। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। मैं इनफॉर्म कर। थैंक यू। जाओ मलिक, एक और कदम आगे बढ़ाया तो ठीक है। मैं रुक गया हूं। तुम प्लीज केसर को कुछ मत करना। मलिक तुम ठीक हो? केसर मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो डार्लिंग? ए ये प्रेम कहानी बाद में, पैसा कहां है मेरा? रास्ते में है, वो आ रहा है। ठीक है, जैसे गर्लफ्रेंड तो सबको मिलनी चाहिए। अपने सौतन को बचाने के लिए पैसों का जुगाड़ कर लिया। इसी रिश्ते अवार्ड में तेरे को तो बस सपोर्टिंग का अवार्ड मिलना चाहिए। ए,
जयंती। हेलो यश, सुन, दो जोड़े कपड़े तेरे और मेरे, जल्दी से पैक करके 20 मिनट में नीचे आ जा। फिर कोई कांड किया क्या तूने? नहीं रे, तेरे को बोला था ना, बस एक लास्ट काम, वो हो गया, चल जल्दी आ। और सुन, तेरा और मेरा पासपोर्ट भी लेके आ। अरे जयंती, हेलो, पासपोर्ट, बड़ा कांड किया लगता है। फोन बज रहा है, उठा लो। उसी का फोन है। हाँ जयंती, कहाँ पहुँचे? एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? कुछ खास नहीं, बस मैं धोखा देने वाली है आपको। मतलब ये कि मैं पैसा लेके नहीं आ रही। देख जयंती, ये सही टाइम नहीं है, तो बोल ना तुझे क्या चाहिए। मेरे को तो बस पैसे चाहिए मलिक सर, और वो इस वक्त मेरे पास है। एक्चुअली मैं डायरेक्ट भी भाग सकती थी, लेकिन वो क्या है ना, आपके साथ दोस्ती बन गया है ना, तो सोचा मैं डायरेक्ट आपको फोन करके बता दूँ। सुन सुन मेरी बात, बहुत गलत जा रही है जयंती, तो इसलिए तो जगह बदल रही हूँ साहब। आप चिंता मत करो, मैं आपके हाथ में ही आएगी। अब ये फोन पे बात करना बंद करो और पैसे का इंतजाम करो। एक गुड न्यूज है, 25 नहीं, सिर्फ 5 करोड़ का इंतजाम करना है। और हाँ, एक दिल की बात बोलती है, केसर को मत छुड़वाओ, आप उसके बगैर ही ठीक है साहब। जयंती, क्या हुआ, आया कि नहीं पैसा? सीधे क्यों गई तू? हाँ हाँ, अब जल्दी से यू टर्न मारो, उसके बाद मंदिर से जो राइट है 500 मीटर की दूरी पर, लेफ्ट पर जो जगह है वो। हाँ 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 हाँ, भाई 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 भाई, कर 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 कर, भाई साहब भी तो इंतजार कर रहे हैं, अब जल्दी कर। हाँ, अरे यार, आ रहा है पैसा रास्ते में। जयंती ना, रास्ते की कच्ची है, वो मंदिर से राइट मारा था, मस्जिद से लेफ्ट मार लिया, गूगल मैप भी यूज नहीं करती। मैं बस जरा उसे लेकर आता हूँ, क्या है आपका बहुत बड़ा है ना अमाउंट। ए, हिलेगा नहीं तू अपनी जगह से। अरे मैं कौन सा भाग कर जा रहा हूँ, वैसे भी मेरी बीवी तो आप ही ने रखी है ना अपने पास, गारंटी के तौर पर। हेलो, आना मलिक बोल रहा हूँ। नंबर है मेरे पास, बोलो अब क्या हुआ? एक प्रॉब्लम है मलिक, प्लीज डोंट टेल मी कि तुम्हें और पैसे चाहिए। नहीं, 25 करोड़ नहीं, इस बार सिर्फ 5 करोड़ चाहिए। पर क्यों? लगता है आजकल किडनैपर्स भी फिरौती पे GST मांगने लगे हैं। अरे ऐसा ही समझ लो, जयंती पैसे लेकर भाग गई। क्या मलिक, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे लाइफ में मेरे अलावा कोई औरत है जिस पे तुम भरोसा कर सकते हो? क्या बताओ आना, पहली बार लाइफ में कोई प्लान नहीं। आई डोंट केयर मलिक, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। मलिक का फोन था, और पैसे चाहिए उसे, दे दो। उसने जो कुछ किया हम लोगों के लिए जिंदगी में, तो मानी। पैसे आ रहे हैं पैसे। वो आना ने सीट बेल्ट नहीं पहना था ना, चलान कट गया। पैसे तो जयंती ला रही थी ना, ये आना कहाँ से आ गई? उस चुड़ैल से मांगे तुमने पैसे? अरे केसर, पैसे कोई भी लाए क्या फर्क पड़ता है, पैसे आ रहे हैं तो तुम बैठो ना वहां पर। अपनी सौतन की वजह से बचने से तो अच्छा है कि मैं मरी जाती। हे भगवान, मुझे अपने पास बुला ले। अरे यार केसर, तुम यहाँ भी शुरू मत हो जाए। अरे एकदम चुप, बंद करो ये नाटक तुम दोनों का, वरना दोनों को गोली उड़ा दूंगा। नहीं 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 नहीं, प्लीज नो, 2 मिनट्स आ रहे। अरे जयंती, अरे मेरा बोर्डिंग पास नहीं नजर आ रहा। ओह थैंक्स। आई चगावत, लगता है मैं अपना बोर्डिंग पास उधर टॉयलेट में भूल के आ गई। जयंती, मैं जाके आती है। अच्छा सुन, बाकी के सारे बैग जैकेट में चले गए, इस बैग पे ध्यान रख, इसमें 5 करोड़ है। 5 करोड़? इधर ही रुक, मैं जाके आती है। जल्दी आना। कहाँ रह गई जयंती? हेलो, हीरा बनने का बहुत शौक है ना तेरे को, बैंकॉक की टिकट करवा दी है मैंने, जा जा अपना ऑपरेशन भी करवा ले। जयंती, मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। जयंती ये भोसड़ी, जा तू ना सिर्फ पैसों से प्यार करता है,
इसीलिए तू हीरा बनने के लिए तैयार हो गया। मैंने ना तेरे बैग में 101 रुपया छोड़ी है, बैंकॉक से आ जा। नजर उतारने के 501 और दे दूंगी मैं तेरे को। एक अच्छी खबर है और दो बुरी खबर है। पहले क्या सुनना पसंद करेंगे आप? साले पहलिया बुझाना बंद कर और जल्दी बता। पहली अच्छी खबर यह है कि मलिक को होश आ गया। और बुरी खबर? बुरी खबर यह है कि मलिक हॉस्पिटल से भाग गया। दूसरी बुरी खबर? दूसरी बुरी खबर यह है सर कि ये इसमें से जितने भी लोग जेल में थे उन सबको बेल मिल गई। क्या? हाँ बेंचोत। तो रुक। कदम सर, सबका बेल हो गया है लेकिन क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैं आपको लोकेशन भेजती है, जल्दी पहुंचो, मुंबई में बहुत ट्रैफिक है। फिर लोग बोलेंगे कि हमेशा की तरह कांड के बाद ही पुलिस आती है। आ गए वो लोग। आप चल। बचा लो अपनी दीदी को। मैं तुम्हारे पैसे मिल गए, छोड़ दो केसर को। अबे तुझे क्या लगा मुझे तेरे पैसे में इंटरेस्ट है? केसर तो एक बहाना थी साले, मुझे तो तुझे मारना है। फिक्सर मलेगा साले, तेरा तो खुद का ही फिक्स हो गया है बॉस। सियासत और रियासत के बीच में जो भी आएगा ना मार दूंगा। मतलब तुमने मुझ पर गोली चलाई थी? ओहो राम 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 भाई, मैंने किसी को नहीं मारा। तो मुझ पर गोली किसने चलाई थी? ऑल टुगेदर ठीक ना? तो गेंद आखिर सुअर बन ही गया क्या है? कि जब इंसान अपनी औकात से ज्यादा उड़ने लगता है ना तो उसको जमीन पर आना जरूरी होता है, और अब क्या जमीन पे गाड़ने का वक्त आ गया है। जरूर नहीं करेगा रावत मादर चोद। गाली क्यों दे रहा है? पता है ना कि मैं मलिक का गुरु हूं। द्रोणाचार्य ने एक लव्य का अंगूठा कटवाया था, जान ले ली थी उसकी। जल्दी मत करना मलिक, नीचे बात करते ना। मुझे पता चल गया था कि तेरे रियासत और सियासत का सबसे बड़ा रोड़ा मैं था, इसलिए दिल्ली में तूने मुझे सस्पेंड करवा दिया। लेकिन मुंबई में मैंने तेरा क्या बिगाड़ा भाई? और अगर तूने मुझ पर गोली नहीं चलाई। ए नहीं, मालिक मालिक मालिक। तो किसने चलाई है? मालिक मार 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 बॉल मार। अरे बॉल देख कर। माता जी, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं मलिक। कपूर साहब, माता जी, अरे तेरी पुनः तेरी नफरत ने हम सब दुश्मनों को एक साथ कर दिया है। माता जी ने जेल से तेरे सबसे प्यारे भक्त को फोन किया, जो तुझे मारने के लिए हम सबसे ज्यादा उत्सुक है। जिसे जो करना है करे हो यार, लेकिन मुझे मारने से पहले कोई ये बताएगा कि मुझ पर गोली किसने चलाई? माजिद जाके बैग चेक करो। बैग को अच्छी तरह चेक करना माजिद,
मुझे इस शख्स पे कोई भरोसा अरे, नहीं। कपूर साहब यार, अरे पैसे ही है, क्या चेक करना है? देख रहा हूँ तेरे पैसे, ये हैं पैसे, ये पैसे हैं। मलिक समझ, माता का लंगर तो लगा नहीं है, खैरात भी नहीं बट रही है, तो उतने के तू मुर्गी नहीं है जितने के मसाले जल जाते, तो इतना सगा तो है नहीं तू मेरा। देखा, मुझे पता था कि डायन मुझे पहले से माना चाहती थी। ये तुमने क्या किया ना? क्या गलत किया मैंने? तुमने लोगों को फिक्स करके अपना फायदा देखा, मैंने इसकी किडनैपिंग में अपना फायदा देखा। हाँ ना, मैंने हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहा, और तुम ओके पागल हो गए हो, और तुम बार बार क्या झुक जाते हो, खड़े रहो। मलिक क्या किया तूने? अरे गोली उससे नहीं चलाई थी। अरे शेरावत साहब, वो पैसे भी तो नहीं लिख रहा है ना। अरे यार आना 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 यार, दिलदार तुझे कैसा चाहिए, प्यार चाहिए या पैसा चाहिए? मलिक ये मेरी अपनी जिंदगी का सच है, आज पैसे के रेस में तू अपना प्यार खो चुका है। मलिक मलिक थैंक यू, मेरा आधा काम तो कर दिया तूने। 200 करोड़ के लिए छाती पे बैठी हुई थी, मतलब जब दुश्मन हो हजार तो चाहिए चार यार, अर्थी को कंधा देने के लिए। कुछ नहीं हुआ, बस क्या कर रहे हो आप? नहीं सॉरी। मलिक मलिक व्हाट? नहीं वो गर्मी नहीं लग रही आपको? इतना हाईनेक पहन के रखा है आपने। केसर मलिक, अबे इधर क्या ढूंढ रहा है इसे? केसर अब ठोकू इसको, भेजा बाहर। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज गोली मत चलाना, क्योंकि इसमें गोलियां नहीं है। कौन गया? ताचोत ये है ना, इससे गोली चला, और वो सर पे मत मारना, बंदूक की नली है ना, मुंह में डालकर 70 डिग्री ऊपर की तरफ मारेगा ना, सीधा भेजा आउट। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। तुम कहीं नहीं जा रहे हो मलिक, तुम्हें कब से पता था? शुरुआत से। आगे सर। मलिक मुझे पैसों की जरूरत है। अच्छा कुछ दिनों में भिजवाता हूँ। हेलो हेलो केसर। हाँ केसर। तुमने कहा था तो मलिक का इंतजाम कर दोगे, कब आएगा वो? केसर मैं सब ट्राई कर चुका हूँ, अब जो भी करना है तुम्हें करना पड़ेगा। 48 घंटों में तुम मुझे नहीं मार पाई तो अपने किडनैपिंग का ड्रामा किया तुमने, तुम भूल गई तुम्हारा पति एक फिक्सर, और उसे अपनी लाइफ का फिक्स कराना बहुत अच्छी तरह आता है। What's up, डायन? अरे डायन इतनी जल्दी मरेगी थोड़ी। केसर तुम्हें लग रहा था ना कि तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो, लेकिन मैं हमेशा से
तुमसे दो कदम आगे था। आ गई पुलिस। सर ये तो सोचो कि क्या कहोगे तुम पुलिस, क्या कर रहे थे तुम यहाँ पर? मैं तुम्हें बचा लूंगी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। तुम्हारे भगवान के पास ही जा रहे हैं केसर, कम से कम अब तो सच बोल दो। अब तो उसकी सस्पेंशन भी हटा दी गई है और करीम का सरेंडर करा के भाई साहब नेशनल हीरो बन गए केसर। अब अगर वो मरता है, तुम एक शहीद की विधवा कहलाओ और ये होते ही पार्टी से टिकट दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। सोच लो केसर, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। हेलो करीम। हेलो। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं मलिक को मारने के लिए। हे माता रानी, प्लीज मलिक को अपने पास बुला ले। अगले 48 घंटों में अगर वो बच गया तो मुझे उसे मारना पड़ेगा फिर से। पकड़ो, चलो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं वापस आऊंगी। साले, सबको फिक्स कर दिया ना तूने, अपनी बीवी को भी। तो मुझे भी जेल भिजवाओगे? तेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, और वैसे भी बेचारे धोखे खाए हुए पति को एक चांस तो मिलना चाहिए ना। लेकिन जिस दिन तेरे खिलाफ कोई सबूत मिल गया ना मुझे, उस दिन मिलूंगा तुझसे। तुम लोग ज्यादा दिन रिकी कपूर को अंदर रख नहीं पाओगे। आई बी आउट, आई बी बैक बिकॉज ऑफ पब्लिक डिमांड। पता चुप, गरीबों के सूरत पंचोली। जयंती काम करो, आधे पैसे तुम अपने पास रख लेना और आधे शेरावत साहब को देना। सर आपका? मेरा क्या, मुंबई के मौसम की तरह सोच रहा हूँ अपना तापमान बदल लो। सुना है दिल्ली में बहुत बड़े बड़े कांड होते हैं, चलो जी। मतलब बड़ा पाव से मोमो और भी बहुत बहुत अच्छी चीजें मिलती है दिल्ली में। सुधर जा शेरावत। सुना है दिल्ली में बहुत बड़े बड़े कांड होते हैं, बचा होते हैं कांड, वहां मिलता है मेरे साथ फिक्सर, समझा? अरे समझ गया। चल निकल।